أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبعوا أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين حضرت أقدس محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی میں آج کی دنیا کی نجات وابستہ ہے جیسے کل کی دنیا کی نجات بھی وابستہ تھی جیسے کل کی دنیا کی نجات بھی وابستہ ہوگی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ساتھ جو صبح طلوع ہوئی وہ ایک دائمی صبح تھی اور دائمی صبح رہے گی اسی کا ذکر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی قصیدے میں آپ نے سنا بس جب ہم دنیا کو توحید باری تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور دعوت اللہ کے پیغام لے کر قریہ قریہ گھومتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری آواز میں برکت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے سیرت کے نمونے ساتھ لے کر نہ چلیں دلوں کی فتح حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی سیرت سے وابستہ ہو چکی ہے اس لیے کہ آپ میں نور خدا جھلک رہا تھا اس لیے کہ آپ صفات باری تعالیٰ کی ان صفات باری تعالیٰ کے ایک زندہ وجود آپ کی ذات میں وہ صفات باری تعالیٰ جو انسان کے وجود میں ڈھل سکتی ہیں ڈھل گئی تھیں یہاں تک کہ ان صفات کے اعتبار سے فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مختلف پہلوؤں سے کھولا کہیں آپ کے وجود کو اللہ کا وجود قرار دیا لیکن یہ ظاہر یہ فرمانے کے بعد پھر اس مضمون پر روشنی ڈالی کہ یہ مضمون وحدت محمد اور وحدت خداوندی کو یکجا کرنے والا مضمون نہیں بلکہ فرق بھی کرتا ہے اور یکجا بھی کرتا ہے یہ وہ باریک پہلو ہے جس پر نظر رکھے بغیر ہم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے ایک پہلو سے دیکھیں تو جب آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود کو بیچ میں سے مٹا دیا اور محض آپ کی ذات میں صفات باری تعالیٰ کی جلوہ گری ہوئی تو یہ کہنا درست ہے کہ آپ کی ذات میں اللہ ہی جلوہ گر تھا مگر
आपकी ज़ात खुदा ना बनी, खुदा नुमा बनी, क्योंकि आपने अपनी ज़ात को बीच में से निकाल दिया, उसका कुछ भी बाकी ना छोड़ा। ये तौहीद कामिल है जो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिया से हमें हासिल होती है। और यही वो तरीक है जिस तरीक के साथ हम आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद में अपने वजूद को खो सकते हैं, और हमारी ज़ात में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो सकते हैं, और ऐसे जलवागर हो सकते हैं कि अगर हमारी ज़ात मिट जाए तो जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात में सिर्फ खुदा दिखाई देता था, उसी तरह हमारी ज़ात में भी सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह दिखाई देने लगे। यही वो माना है जिसके पेश नज़र आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम की आयत में आने वाले मसीह को, आने वाले माऊद को मोहम्मद करार दिया गया। और ये दर्जा ब दर्जा सबक खुदा ताला के की इरफान का मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम को अता हुआ, और हज़रत मसीह माऊद के वसीले से हमने सीखा। आज सीरत के बाज़ पहलुओं पर रोशनी डालना मकसूद है जिनका ताल्लुक तौहीद बारी ताला से है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे की रिफ़त और बुलंदी से है, और उसके बावजूद आपकी बशरियत से है। किस तरह आप रिफ़तों में खोए नहीं गए बल्कि रिफ़तें हासिल करके वापस लौटे हैं, और रिफ़तें छोड़ कर वापस नहीं लौटे, रिफ़तें लेकर वापस लौटे हैं। ये वो मज़मून है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी इरफान के लिए, जिसका समझना आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी इरफान के लिए ज़रूरी है। बस जब हम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिमत सफ़र करते हैं तो ये सफ़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से खुदा की जानिब है, और जब ये सफ़र अपनी उस तकमील को पहुँचे जो तकमील हमारे दायरे कुदरत में है, तो उस तकमील के बाद हमें लाजमन बनी नौ इंसान की तरफ वापस लौटना होगा। गोया एक वो दौर है जो मख्फी दौर है, और एक वो दौर है जो ज़ाहिर दौर है। ये दोनों बातें हमें आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गौर करने से नसीब होती हैं। पहले नबूवत का वो दौर है जो दुनिया की नज़र से ओझल और मख्फी दौर था। उस दौर के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया वह वजदा का दौलन फहदा, ए मोहम्मद हमने तुझे गुमगश्ता पाया। गुमगश्ता किस बात में? तलाश हक, राह हक से हटकर गुमगश्ता पाया, या हक की तलाश में गुमगश्ता पाया? ये वो दूसरा माना है जिन मानों में आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलन करार दिया गया, और गुमराही के माने का कोई दूर का भी ताल्लुक इस आयत करीमा से नहीं है। जहाँ दौलन गुमराही के मानों में इस्तेमाल होता है वो वही आयत है जिसकी मैंने पहले तिलावत की थी। अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, ऐलान कर दे, कह दे कि मुझे मना फरमा दिया गया है कि मैं उन लोगों की इबादत करूं उन जो जिनको तुम खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जो भी वो हैं, अल्लज़ीना जो भी उनकी हैसियत या हकीकत है, मुझे मना फरमा दिया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं। कुल ला अत्तबिउ अहवाकुम, और वो हैं कौन चीज़? वो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, उनके सिवा उनकी कोई हकीकत नहीं। माबूदान बातला को इंसान की ख्वाहिशात करार दे देना, ये माबूदान बातला की हकीकत को जाहिर करने के लिए एक बहुत ही उम्दा बयान है। कोई झूठा माबूद इंसान की ख्वाहिश के बगैर बनता नहीं, और ख्वाहिश ही है जो बुतों को तामील किया करती है, और बिलाखिर अपनी ही ख्वाहिशात हैं जिनकी इंसान खुद इबादत करने लगता है। बस शिर्क का इंसानी ख्वाहिश से एक गहरा रابطہ है,
बस जहाँ ये फरमाया कि मुझे मना फरमा दिया गया है कि उन चीज़ों की ये बात करूँ जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, फरमाया कह दे ला तब अहवाक, मैं हरगिज़ तुम्हारी तमन्नाओं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूँगा। कद दौलत वज़म व मान अमिल मुतदीन, अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं तो दौल हो जाऊँगा, गुमराह हो जाऊँगा। यहाँ ज़ौल के माने वो हैं जिनकी तरफ मैंने इशारा किया था, जिनकी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नफ़ी फरमाई गई है। ज़ौल का कोई माना भी जो इस आयत की ज़ैल में आता है हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह पर इतलाक़ नहीं पाता, और ये फ़ैसला खुदा का फ़ैसला है। कुल कहकर आ हज़ूर को अल्लाह ताला ने हदायत फरमाई है कि ऐलान कर दे कि जलालत का कोई शायबा तक तुम मेरी ज़ात में नहीं देखोगे। इसके बावजूद जब फरमाता है वह वजदा का दौलन फादा, तो इसका इसके सिवा कोई माना नहीं निकलता कि ऐ मेरी मोहब्बत में खोए जाने वाले वजूद, ऐ वो वजूद जो अपनी ज़ात से भी खोया गया, सिवाय मेरी मोहब्बत के उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। ऐ मोहब्बत में फना होने वाले, हमने तुझे इस हालत में पाया और तुझे हदायत दी, तो हदा अल्लाह ने तुझे इस हालत में पाया और तुझे हदायत दी। और यही वो माना है जिसे कुफार भी समझ गए थे। यानी अजीब हालत है कि कुफार आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार के बावजूद ये जानते थे और ये गवाही देते थे कि अल्लाह का आशिक ज़रूर है, जो कुछ भी इसको कह लो इसके सिवा कोई हकीकत नहीं है, कि ये शख्स अल्लाह के इश्क में दीवाना हो गया है, हर बात खो दी है सवाए इश्क खुदा के। ये जो मज़मून है इश्क खुदा का, ये अचानक ज़ाहिर नहीं हुआ। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की ज़िंदगी इस बात पर गवाह थी। और इश्क के सिवा हदायत की कोई मंजिल तय हो नहीं सकती। ये वो सीरत का सबक है जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और इस सबक को पढ़े बग़ैर आप उलूम का अगला उलूम की तरफ अगला कदम उठा नहीं सकते। आज तक कभी किसी नबी को नबूवत से पहले आप बनी नौ इंसान से किसी तरह की नफरत करते हुए नहीं देखेंगे, एक भी इस्तेसना नहीं। ऐसे हालात में वो पैदा हुए, ऐसे खौफनाक गुनाहों के दरमियान उन्होंने जन्म लिया कि अगरचे उनकी ज़ात आगाज़ से इंतहा तक मासूम रही, लेकिन इर्द गिर्द चारों ओर अंधेरे ही अंधेरे थे, ज़ुल्मात ही ज़ुल्मात थी, वो तारीकियों के घेरे में पैदा हुए और उनके अंदर नूर मौजूद था और अल्लाह के इज़्ज़त के बग़ैर भी भड़क उठने को तैयार था, जैसा कि आयात नूर की तिलावत में आपने सुना और समझा होगा। उसके बावजूद इज़्ज़त इलाही के बग़ैर उन्होंने ना किसी ना कौम को मुखातिब फरमाया, ना उनकी किसी रंग में मुखालफत की। बस ये तौहीद बारी ताला का एक अजीम मज़मून है कि खुदा के सिवा किसी को नहीं समझा का मतलब यह है अपने आप को भी कुछ नहीं समझा। बस आपको ये खूब अच्छी तरह समझ लेना है कि हर वो नसीहत करने वाला जो अपनी ज़ात को कुछ समझते हुए नसीहत करता है, उसकी नसीहत अंबिया की नसीहत के बरखिलाफ़ है। कभी आप अंबिया को नबूवत पर मामूर होने से पहले सोसाइटी में नसीहत करता हुआ नहीं देखेंगे, हालांकि उनकी फितरत का नूर, जैसा कि कुरान करीम की आयात से पता चलता है, वैसे ही रोशन था। वो ज़माने को देखते थे, उसके मजालिम से आगाह थे, उसके गुनाहों की हकीकत से वाकिफ़ थे। इसके बावजूद एहतजाज की आवाज़ें बुलंद नहीं की, बल्कि वो पीछे हटते हुए खुदा की ज़ात में खोए गए। और खुदा की ज़ात में खोया जाने का सफ़र है जो दौलन फ़ाहुदा का सफ़र है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सफ़र इख्तियार फरमाया 40 साल की उम्र तक। रवायात हमें बताती हैं कि जो भी आपको वक्त मिलता था गारे हिरा में जाकर डूब जाया करते थे।
बाज़ दफ़ा अपने साथ चंद दिन का ज़्यादा राह ले जाया करते थे, किसी की नज़र नहीं थी वहाँ क्या होता था और ना आपको किसी को दिखाने की कोई परवाह थी, किसी को बताते नहीं थे कि मैं क्यों हूँ, मुझे क्या हो गया है। और मोहब्बत इलाही में ऐसे खोए गए थे कि तन्हाई में जाकर अल्लाह को याद किया करते थे। ये जो वही का नज़ूल है उसके नतीजे में हुआ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल से ये मोहब्बत का शोला बुलंद ना होता तो आसमान से वो शोला नूर ना उतरता जिसने आपको सब दुनिया के लिए नबी बना दिया। और बावजूद इसके कि दुनिया को गुनाहों में मुबतला देखा, एक लम्हा भी दुनिया से नफरत नहीं की, एक सानिया भी आपकी ज़िंदगी का ऐसा नहीं जिसके जिसमें किसी रवायत करने वाले ने, बल्कि आपके मुखालिफीन ने भी ये कहा हो कि कल तक तो तुम हमें बुरा भला कहा करते थे, हमारे बुतों को बुरा भला कहते थे, हमारी आदात के ख़िलाफ़ बातें किया करते थे। यही भी नफ़रत है जो सीने में उबलते उबलते आखिर ये लावा फट पड़ा, तुमने यही कुछ करना था। एक भी एतराज़ मुखालिफीन की तरफ से ये नहीं उठाया गया। दीगर अम्बिया का भी यही हाल था, वो ये तो कहते थे कि हम तुझे मरजूबन पाया करते थे, हम तुम्हारी आदात व सकनात में एक गैर मामूली हुसन देखते थे, हम ये जानते थे कि तुम बहुत ही दिलकश सिफात के मालिक हो, तो अब अचानक तुम्हें क्या हो गया है। बस इज़्ने इलाही के बग़ैर हदायत का सफ़र ना करना तौहीद का एक अजीम निशान है जो अम्बिया से ज़ाहिर होता है, और ये निशान सबसे बढ़कर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ज़ाहिर होता है। यानी अपनी अपनी ज़ात की दिलचस्पियों और अपनी ज़ात की कराहतों से आपकी नबूवत का कोई ताल्लुक़ नहीं था। अगर ये होता तो आगाज़ जवानी ही में आप ऐसी बातें किया करते कि सब लोग देखते और कहते कि ये एक रिफॉर्मर बन रहा है, मगर खुदा की ज़ात में खोए जाना और जब तक इज़्न ना हो उस वक्त तक अपनी तमन्नाओं अपनी ख्वाहिशात को दूसरों पर फोकियत ना देना और ये ना कहना कि मैं सच्चा हूँ और तुम सब झूठे हो, ये भी एक तौहीद का अजीम मकाम है और यही दरअसल आला तौहीद का मकाम है। बस जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की मोहब्बत में ऐसा खोए गए कि खुदा पर आशिक हो गए, तब खुदा की मोहब्बत का वो शोला ऊपर से वही की सूरत में आप पर नाज़िल हुआ। रवायात सीरत इब्ने हिशाम की एक रवायत है जिसमें इब्ने इसहाक कहते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में खुसूसियत के साथ ग़ार हिरा में जाकर क़याम फरमाया करते थे, यहाँ तक के एक ऐसे ही वक्त में जबकि ग़ार हिरा में आप रमज़ान के महीने में क़याम फरमा थे, जिब्राईल आप पर नाजिल हुए और यही आपकी वही का आगाज़ है। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से वही का आगाज़ नबूवत का आगाज़ फरमाया या रसालत का आगाज़ फरमाया, तो जहां लोगों ने अशिका मोहम्मदुर रब्बहू कहकर दर हकीकत आपकी सदाकत को तस्लीम किया, मगर वो अशिका के मानों में सिर्फ मोहब्बत नहीं लेते थे बल्कि मोहब्बत का जुनून लेते थे। इश्क को जुनून से एक ताल्लुक़ है और इश्क के नतीजे में जुनून पैदा होता है और इंसान दूसरों से इस तरह खो जाया जाता है गोया पागल अपनी ज़ात में खोया गया है। तभी पागलों को अपनी सोसाइटी से एक अलहदगी की हालत नसीब होती है, उनमें होते हुए भी उनसे अलग रहता है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अशिका मोहम्मदुर रब्बहू का ताना दिया करते थे तो उनकी मुराद इश्क का जुनून था, इसे तो खुदा के सिवा सूझती ही कुछ नहीं, हर वक्त वही रट लगाए रखता है, ये माना था। और इसका तभी नतीजा ये निकला कि फिर आखिर उन्होंने इश्क का लफ्ज़ छोड़कर मजनून के लफ्ज़ को इख्तियार कर दिया और कहने लगे ये मजनून है। क्यों मजनून कहा गया?
असल में इस लफ्ज मजनून में आपकी सदाकत की एक अजीम शान दलील थी। कोई शख्स जो अपने मफादात की परवाह न करे और अदना गरज भी अपने मफाद से ना रखे, वही दरअसल मजनून हुआ करता है। पागल उसी को कहते हैं जिसकी हर बात अपनी ज़ात से बेताल्लुक हो जाए। वो ऐसी बातें करता है जिसके नतीजे में उसका बद असर लोगों पर पड़ता है। वो ऐसी बातें करता है जिसके नतीजे में उसकी ज़ात खुद नुकसान उठाती है। आग में हाथ डालेगा तो अपने आप को जलाएगा, अचानक किसी पर हमला आवर होगा तो लोग जंजीरों में बांध के जकड़ देंगे। पागलों वाली हिरजा सराई करता है, बकवास करता है तो लोग उससे अलग होते हैं, कभी उसको ड्रग्स पिला पिला कर सुला देते हैं, कभी बिस्तरों से जंजीरों से बांध देते हैं। गर्जी के हर पागलपन का नतीजा खुद पागल के बरखिलाफ़ निकलता है। बस दूसरी गवाही उन्होंने ये दी कि अजीब शख्स है, ऐसी बातें कर रहा है जो कुल्यतन इसके मफाद के ख़िलाफ़ हैं। हर जो ऐलान करता है लोग इसके ऊपर उस ऐलान पर इसके दुश्मन हो जाते हैं, इसके प्यारों के दुश्मन हो जाते हैं, हर तरह के अजियत इसे पहुंचाते हैं, लेकिन बाज नहीं आ रहा। इसलिए लाजिम हुआ कि ये मजनून है, साबित हुआ कि ये मजनून है। खुदा ताला ने इस इल्ज़ाम को लेकर इसकी हकीकत इन आयात में खोली है जो सूरह काफ में 2-8 में दर्ज हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, नून वल क़लम वमा यस्तुरून। नून और क़लम की कसम, वमा यस्तुरून और जो कुछ वो लिखते हैं। यस्तुरून से मुराद नून और क़लम बराह रास्त नहीं, बल्कि लिखने वाले जो नून स्याही और क़लम के हवाले से इन दोनों के ज़रिए से लिखते हैं, उन सब की गवाही है। मा अंत बे नेमत रब कर बे मजनून, कि तू अपने रब की नेमत की वजह से मजनून हरगिज नहीं है। अब सवाल यह है कि नून और क़लम की गवाही क्या है? इल्म क़लम से फूटा है और बयान के बाद खुदा ताला ने क़लम से इंसान को सिखाया है। बस दरअसल क़ुरान करीम की गवाही और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम की गवाही उनके इस इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ काफ़ी दलील है कि नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून थे। लेकिन ये एक गवाही काफ़ी नहीं है। फरमाता है, इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। पागलों के लिए अजर तो कोई नहीं हुआ करता। जो पागलों वाली बातें करें, पागलों वाले आमाल सरजद हों जिनसे, उनको ना दुनिया में अजर मिलता है ना अल्लाह उनको अजर देता है, और उनके पागलपन का नतीजा हमेशा नाकामी और नामुरादी हुआ करती है। बस मोहम्मद रसूलुल्लाह को तुम कैसे मजनून कहते हो? आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह फरमाता है, इन्नका लअजरन गैर ममनून, तेरे लिए तो ना ख़त्म होने वाले अजर का एक सिलसिला जारी हो गया है। तेरा हर अगला दिन पहले से बेहतर हो रहा है, दिन ब दिन तेरा माहौल जो तेरे पहले तेरा मुखालिफ था, जो जानलेवा माहौल था, वो तुझ पर जान निछार करने वाला बनता चला जा रहा है। दिन ब दिन तेरी अजमत बढ़ती चली जा रही है और हर आने वाला दिन गवाह बन रहा है कि तू मजनून नहीं, क्योंकि मजनूनों का ये अंजाम नहीं हुआ करता। और गैर ममनून में क़यामत तक के लिए आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिले का नश्व नुमा पाना और आपकी उम्मत का बढ़ते चले जाना शामिल है। और गैर ममनून में मरने के बाद की दुनिया में, यानी अगले जहान में भी इस अजर के सिलसिले का गैर मुनक़ते होना शामिल है। फसा तुब से रो व युब से रून, बस तू भी देख लेगा और ये भी देख लेंगे। आज तुझे मजनून कहते हैं, कल देखेंगे कि तू मजनून नहीं, ये मजनून थे। फसा तुब से रो युब से रून बे आइये कुमुल मफ्तून, खुद ये गवाह बन जाएंगे और कहेंगे कि हम पागल हुआ करते थे, ये पागल नहीं था।
और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये अजीम इनकलाब बरपा हुआ कि तमाम अरब अपने आबा अजदाद को पागल कहने लगा और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की अक़ल के गीत गाने लगा और तमाम फरासत और तमाम अक़ल आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर करने लगा, क्योंकि आप ही के कदमों से वो फरासत फूटी थी, आप ही के कदमों से वो अक़ल के चश्मे जारी हुए थे। जिस तरह इस्माइल की एड़ियों से एक चश्मा जारी हुआ, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे से हमेशा हमेशा के लिए बरकतों रहमतों फरासत और अक़ल के चश्मे जारी हुए, जिनसे आज तक हम फैज़याब हो रहे हैं, आज तक हम सैराब हो रहे हैं। एक तो जमजम वो है जो इस्माइल की एड़ियों से फूटा था, एक जमजम वो है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तले निकला, कदमों के तले से निकला, और उसी का नाम कौसर है जो ना ख़त्म होने वाला है, गैर ममनून है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है इन रब्बा का हुआ आलम बिमन दल्ला अन सबीलिही वहुवा आलम बिल मुहतदीन, अल्लाह ही है जो जानता है कि कौन गुमराह है और कौन सीधे रास्ते पर है। बाज़ दफ़ा अदाएँ दोनों की मिलती जुलती हैं आगाज़ में, यानी अम्बिया भी पागल दिखाई देते हैं और पागल भी पागल दिखाई देते हैं, मगर दोनों के अंजाम में इतना फ़र्क होता है कि वो अंजाम दिखा देता है कि पागल कौन था और अक्ल रसा कौन रखता था। बस अल्लाह ताला ने ये मज़मून यूँ बयान फरमाया कि अल्लाह जानता है और इसको वो ज़ाहिर फरमा देगा, ये मुराद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का एक और निशान जो कुरान करीम ने पेश फरमाया, जिसको जुनून से अलग करके इस तरह मुमताज़ करके दिखा दिया कि वो जुनून और वो हुज़ूर की सदाकत का निशान इकट्ठे नहीं हो सकते। मजनून तो वो होता है जो हर खुल्क से आरी हो जाए, आप उसकी तरह मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं तो बाज़ दफ़ा वो आगे से थप्पड़ मार देता है, बाज़ दफ़ा गाली गलौज शुरू कर देता है, उसे खाना पेश करें तो ठुड्डे मारता है, खाना उठाकर फेंकता है, बर्तन तोड़ देता है। मजनून के तो ये निशान है, मगर खुलक अजीम किसी मजनून को नसीब नहीं ना हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने आपको आपके मुतलिक ये जो फरमाया वह इन्ना कल आला खुलक नजीम इसी आयत करीमा में, ये बताना मकसूद है कि खुलक अजीम जाहिलों और पागलों को नसीब हो ही नहीं सकता, ये पागलपन और खुलक इकट्ठे नहीं हुआ करते। ये सारे लोग जो तुझे झूठा और पागल कह रही है तो ये तो बद अखलाक और बदतमीज़ लोग हैं, इनको तो बात करने का सलीका नहीं, एक दूसरे के अमवाल पर इनकी नज़र है, जहाँ किसी का हक मार सकें वो हक मार जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झूठ इनका शेवा है, बदयानती इनका पेशा है। इन बद बिगड़े हुए अखलाक वालों को क्या ये जेब देता है कि तुझ पर पागलपन का इल्ज़ाम लगाएं जो खुलक अजीम पर वाक़ हुआ है? और ये खुलक अजीम की गवाही जो अल्लाह ताला ने आसमान से दी, दरअसल कुफ्फार मक्का की एक गवाही की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि खुदा ताला जब भी किसी इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ दलील क़ायम फरमाता है तो कभी भी वो दलील जबरी रंग नहीं रखती, उस दलील के अंदर ऐसे मजबूत शवाहद होते हैं कि जो दुश्मन को मनवा कर छोड़ती है। उस खुलक अजीम का ज़िक्र यूं ही ज़िमनन और इत्तेफ़ाकन नहीं, एक तो पागलपन के बरक्स खुलक अजीम का जैसा आपस का फ़र्क है ये ज़ाहिर व बाहिर है, दूसरी बात ये कि तमाम कुफ्फार मक्का आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे से पहले खुलक अजीम पर बयान किया करते थे, इस बात के गवाह थे कि उनमें सबसे ज़्यादा बाखलाक इंसान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपका नाम सदूक रखा गया, आपका नाम अमीम रखा गया। जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों से गुजरते थे तो लोग एहतरामन उठ खड़े होते थे, आवाज़ दिया करते थे कि वो अमीन आ गया, वो शख्स आ गया जो अमानत का अलमबरदार है, जो सदाकत का अलमबरदार है। तो कभी पागलों को भी सदाकतों और अमानतों का अलमबरदार देखा है? बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलक अजीम ही दरअसल
आपकी सदाकत का एक ऐसा निशान है जिसके खिलाफ कोई दलील कारगर नहीं हो सकती। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया कि आप हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अख़लाक के मुतालिक हमें कुछ बताएं, आपने फरमाया, ये नहीं कहा कि इन्ना खुलुकुहु फिल कुरान, ये नहीं फरमाया कि आपका खुल कुरान में है उसमें मुतालिया करो, फरमाया खुलुकुहुल कुरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुल कुरान है, यानी तमाम तर कुरान आपके अखलाक का गवाह और आपके अखलाक तमाम तर कुरान पर मबनी है। एक भी खुल्क नहीं जो कुरान के दायरे से बाहर हो और एक भी कुरानी खुल्क नहीं जो आपकी ज़ात में जलवागर ना हो। तो एक कुरान है जो कौल खुदा ताला की कौल है और एक वो कुरान है जो खुदा ताला की सन्नत है यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनके दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है, एक ज़र्रा भी फ़र्क नहीं है। ये जो कुरान की गवाही है इससे अजीम गवाही किसी इंसान के अखलाक के बारे में मुमकिन नहीं है। इसलिए नहीं कि कुरान वो किताब है जिस पर हम आशिक हैं, इसलिए कि कुरान वो किताब है जिसकी कोई नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती। जितने अखलाक कुरान करीम ने सिखाए हैं, जिस तफसील के साथ सिखाए हैं, दुनिया की को किताब ला के तो दिखाएं जिसमें इस तफसील से उन अखलाक का जिक्र हो। और आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तफसील के साथ, जिस बारीक बीनी के साथ, जिस लताफत के साथ अपने ग़ुलामों को अखलाक सिखाए हैं, वो एक ऐसा हैरतअंगेज़ मज़मून है कि दुश्मन उस पर अकल खो बैठता है। वो समझता है कि ऐसा रसूल आया जिसने हमारी हर बात में दखल दे दिया है, लेकिन हर बात उस बात में दखल दिया है जिसमें अगर वो दखल ना देता तो तुम पागल के पागल रहते, तुम्हें जीने का सलीका ना आता। अदना से अदना खुल्क भी, अदना से अदना खुल्क भी जिसकी इंसान की तज़ीन के लिए, उसकी तहसीन के लिए, उसको दिलकश और खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरत पेश आ सकती थी, वो तमाम अखलाक कुरान में दर्ज और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जलवागर। और जहाँ कभी किसी को समझने में दिक्कत पेश आई, आपने तफसील से समझाया, एक एक चीज़ की निशानदेही फरमाई और इतने बारीक फ़र्क फरमाए हैं मोहब्बत और बुत परस्ती के कि बाज़ दफ़ा अपने मोहब्बत करने वालों को रोक दिया है, हरगिज़ ये बात ना करो, इससे शिर्क पैदा होता है। और बाज़ दफ़ा मोहब्बत करने वालों को इंतहाई मोहब्बत और प्यार की नज़रों से देखा है और उनके इश्क को सराहा है, उनको जन्नत की खुशखबरियाँ दी हैं। बस एक ही चीज़ है मोहब्बत, मगर अगर दो मुख्तलिफ नीयतों के चश्मों से फूटे तो उसके नतायज बिल्कुल एक दूसरे से बरक्स हो जाते हैं। देखने में वो मोहब्बत ही दिखाई देती थी जिसको आ हज़ूर ने रद्द फरमाया, और देखने में वो भी मोहब्बत दिखाई देती थी जिसको आपने कबूल फरमाया। क्यों ऐसा किया, इसकी वजह आपने बयान फरमाई और बहुत बारीक नज़र से इस बात को देखा कि कहीं मेरी मोहब्बत शिर्क में तब्दील ना हो जाए। ये और इससे मिलते जुलते बहुत से मज़ामीन हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस हद तक भी वक्त ने इजाज़त दी, मैं इन्हें खोलने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये कि वो वजूद जिसको खुदा फरमा रहा है कि तू खुल्क अज़ीम पर वाक़िया है, इससे बड़ी ज़मानत उसके खुल्क की और क्या हो सकती है। मगर खुल्क अज़ीम ही में एक इनकिसार का भी तो खुल्क है, और ये खुल्क भी बदरजा कमाल आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाया जाता था। बस खुदा से ये खुशखबरी पाने के बावजूद, ये सनद हासिल करने के बावजूद कि तू खुल्क अज़ीम पर है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, और ये हदीस मौता इमाम मालिक से बाब फ़ी हुस्नुल खुल्क से ली गई है। आप ये दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी शक्ल व सूरत अच्छी और ख़ूबसूरत बनाई, उसी तरह मेरे अखलाक व आदात भी अच्छे बना दे। जिसके अखलाक अच्छे बना दिए गए वो हमेशा ये अर्ज़ करता चला जाता है कि मेरे अखलाक अच्छे बना दे। इसमें सिर्फ एक
इनकिसारी का सबक नहीं, एक और भी सबक है। अगर अखलाक खुदा ताला की सिफात की पैरवी का नाम है तो उसकी फिर कोई इंतहा नहीं है, एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। बस वो लोग जो ये समझते हैं कि हमने अखलाक को पा लिया, हम बड़े अखलाक के मालिक हैं, ज़रा गौर तो करें कि क्या नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक अपना बैठे हैं। वो तो अपनी ज़िंदगियों का सफ़र तमाम करें और फिर उनको ज़िंदगियाँ मिलें, और फिर सफ़र तमाम करें और फिर ज़िंदगी मिले, तब भी वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की आखिरी हदें छू नहीं सकते, क्योंकि और कोई नहीं है जो उन हदों को छू सका, कोई नहीं है जो उन हदों को क़यामत तक छू सकेगा। यही मेराज का सबक है जो हमें दिया गया। आप वहाँ तक पहुँचे जहाँ फरिश्तों की भी रसाई नहीं थी, लेकिन उन हदों को छूने वाला खुदा से अर्ज़ करता है कि ऐ अल्लाह मेरे अखलाक को मुझे वैसा ही हुस्न खुल्क भी अता कर जैसा हुस्न खल्क बख्शा है, जैसा मेरी सूरत को खूबसूरत बनाया, मेरे बदन को खूबसूरत बनाया, वैसे मेरे आदात को भी अच्छा कर दे। अब ये भी एक अजीब बात है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पहली बार आप ये सुनेंगे कि आपको अपने हुस्न का एहसास था, वरना कभी भी आपने किसी जगह भी दुनिया के सामने ये दावा नहीं किया कि मैं बहुत हसीन हूँ, जबकि इस दुनिया में बिगड़े हुए मनहूस चेहरे वाले भी ये दावे करते हैं कि हम बड़े हसीन हैं। और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक दफ़ा भी ये दावा नहीं किया, लेकिन दुआ में अल्लाह ताला की मोहब्बत को पसमाने की खातिर और उसके शुक्र के इजहार के तौर पर ये दोनों बातें यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। अर्ज़ करते हैं कि ऐ खुदा, जब भी मेरे चेहरे पर डाली मुझे तेरा हुस्न दिखाई दिया, कितना खूबसूरत वजूद तूने पैदा किया, मगर मेरे अंदरूने किताब की गहराइयों तक तेरी ही नज़र है, तू मुझे बातिन में आखिरी अथाह गहराइयों तक हसीन बना दे। और ये जो दुआ है ये मुस्तकिलन हमेशा हसीन बनते चले जाने की दुआ है। पेश नज़र है आईना दायम निकाब में वाला मज़मून है कि किसी हुस्न के मकाम को आपने अपने लिए काफ़ी नहीं समझा, बल्कि ये अर्ज़ करते चले गए कि मुझे हसीन से हसीन तर बनाता चला जा। और ये भी तौहीदी का मज़मून है, क्योंकि आप जानते थे और आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता था कि अल्लाह के हुस्न की कोई आखिरी मंजिल नहीं है। और अगर हुस्न हुस्न इंसान हुस्न खालिक का परतौ है तो फिर हुस्न खालिक तो एक लामुतनाही समंदर है, उसका सफ़र कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बस यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ ये फरमाया वजह का दौलन फ़ादा, वहाँ ये भी फरमाया वलल आखिरत खैरुल्लक मिनल उला, तेरे साथ हमने एक ये सिलसिला जारी कर दिया है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, तेरा हर बाद में आने वाला लम्हा हर गुजरे हुए लम्हे से बेहतर होता चला जाएगा। और हुस्न खुल्क में आपने जो तरक्की की, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चूँकि आप अपनी ज़ात के हुस्न को अपनी ज़ात में छुपाए रहते थे, इसलिए अगर खुदा ताला उसका इजहार कुरान करीम में ना फरमाता तो हमें कभी पता ना चलता कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदरूनी लिहाज से कितने हसीन थे। बस ये भी एक मज़मून है, जो ज़ाहरी हुस्न था उसका जिक्र कभी नहीं किया किसी के सामने खुदा खुद सवाए खुदा के, और जो अंदरूनी हुस्न था उससे अपनी ज़ात में लपेटे रहे और बनी नौ इंसान से छुपाए फिरते थे। बसा औक़ात जब हुस्न खुल की बातें की तो लोगों के हवाले से की, हालांकि ज़रा सा भी गौर करें तो हदीस के एक लफ्ज़ बोलता है कि इतना हसीन वजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिवा हो नहीं सकता। बस लोगों के हवालों से अपनी बातें किया करते थे, और ये जो लोग हैं उनका नाम भी नहीं, कुछ पता नहीं कौन थे, इसलिए कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में हिजाब था और बतौर नबी के मजबूर थे बाज़ अपनी सिफात को दूसरों के सामने बयान करने पर
ताकि उनकी तरबियत हो। और हिजाब ऐसा था कि ये नहीं कहते थे कि देखो मैं ये हूँ इसलिए तुम ऐसे बनो। जब मैं का हवाला दिया है, हमेशा तकवा के मज़मून में से हवाला दिया है, अतकाकुम, मैं तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी हूँ। और ये वो मज़मून है जिसको खुदा ताला खुद बार बार कुरान में खोल चुका है, मगर तमाम दूसरी रिवायात और हकायात जिनमें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं एक खुदा का बंदा ऐसा था जिसने ये किया, एक खुदा का बंदा ऐसा था जिसने ये किया, उसमें औरों के भी जिक्र हैं, मगर बसा औक़ात इंसान पहचान लेता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है जिसका बयान हो रहा है। बस अख़लाक़ व आदात को हमेशा संवारते चले जाना, ये आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ और इस शान से अता हुआ कि ईमान की हर शाख पर आपका खुल्क हावी हो गया। ईमान से ही खुल्क बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला पर ईमान दरअसल उसकी सिफात पर ईमान है। और ये बात भी आपको खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि महज ये कह देना जी हम ईमान ले आए ये काफ़ी नहीं है। ईमान किस चीज़ पर ले आए? एक इंसान पहाड़ को देखता है, कहे मैं ईमान लाता हूँ ये पहाड़ है, मगर उसको क्या पता कि इस पहाड़ के अंदर क्या क्या सिफात हैं, कौन कौन सी मादनियात हैं, कौन कौन से फवायद इसके साथ वाबस्ता हैं, इसके अंदर जो नबातात उग रही हैं उनकी क्या हैसियत है, जो जानवर मख्फी हैं वो किस गर्ज से पैदा किए गए हैं। गर्ज के पहाड़ भी तो एक उलूम का पहाड़ अपनी ज़ात में छुपाए फिरता है, मगर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक पहाड़ के मुशाबे करार दिया गया है, एक ऐसे पहाड़ के मुशाबे जिसकी कोई मिसाल नहीं है। फरमाया हमने वो वही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल फरमाई है अगर पहाड़ों पर भी नाजिल करते तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। और खुदा की हैबत से ज़मीन पर बेच जाते। ये मोहम्मद है जो आगे बढ़ा और उस अमानत को कबूल किया और उसके बार को उठा लिया। बस जब मैं पहाड़ की बात करता हूँ तो महज एक फ़र्ज़ी किस्सा नहीं जो तारीफ़ करने की खातिर मैं पहाड़ का जिक्र कर रहा हूँ। खुदा ताला ये नहीं फरमाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह एक पहाड़ हैं, फरमाता है पहाड़ों से बढ़कर हैं। जो सिफात पहाड़ों में हैं उनसे बढ़कर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात में पाई जाती हैं। और वही का इससे क्या ताल्लुक़ हुआ और पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े होने का मज़मून है क्या? जब आप पहाड़ों के हालात पर गौर करें तो फिर उनके हवाले से रफ्ता रफ्ता आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शनासाई होने लगती है। पहाड़ों पर बिजलियां कड़कती हैं और बड़ी बड़ी चट्टानों के दिल फट जाते हैं। पहाड़ों पर ज़िंदगी बख्श पानी उतरता है और उस पानी के नतीजे में तमाम का ज़मीन पर ज़िंदगी की बुनियाद डाली जाती है और ज़िंदगी का सहारा बनकर उस पानी को मुख्तलिफ सूरतों में खुदा ताला मुख्तलिफ वक्तों के लिए जमा रखता है। एक बहुत वसी और तफसीली मज़मून है, मगर ज़मीन की ज़िंदगी कुल्लियतन पहाड़ों की बुलंदी से लेकर समंदरों की आखिरी तह तक उन बारिशों पर मबनी है जो पहाड़ों पर नाजिल होती हैं। बस पैगाम ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी वही नाजिल हुई है और उन तमाम सिफात को लेकर नाजिल हुई है जिनको संभालने का, जिनको बर्दाश्त करने का पहाड़ों को भी हौसला नहीं था। यानी महज मादी पानी नहीं उतरा बल्कि रूहानी पानी उतरा और इस कसरत से उतरा है और ऐसी ऐसी तजल्लियात हुई हैं कि पहाड़ों के दिल भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नौ इंसान की मोहब्बत में और अल्लाह की मोहब्बत में इस बारे अमानत को उठा लिया। इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला, कैसा अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है, कैसा जहूल है, आकबत की कुछ भी परवाह नहीं की। यानी अपनी आकबत खुदा के हवाले से पेश नज़र रखी, मगर वही के वही की जिम्मेदारियां अदा करने की सूरत में आपके बदन पर आपकी रूह पर जो गुजरनी थी उसकी कुछ परवाह नहीं की और अवाकिफ से बेखबर होकर ये बोझ उठा लिया है। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में
आपको खुदा के वो फ्यूज़ दिखाई देते हैं जो तमाम कायनात के फ्यूज़ का खुलासा ही नहीं उनसे बढ़कर हैं। इन मानों में आप तमाम कायनात से अफजल हैं, पहाड़ों से अफजल हैं, तो गोया ज़िंदगी की हर ज़रूरत आपकी ज़ात से वाबस्ता है, कोई एक अदना भी ज़रूरत नहीं जो आपके ज़रिए बनी नौ इंसान को अता न की गई है। पहाड़ों के वजूद को निकाल दें तो ज़मीन से ज़िंदगी का वजूद सिमट कर अलग हो जाएगा, नामुमकिन है कि ज़िंदगी कायम रहे अगर पहाड़ ना हो। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पहाड़ों से बुलंदतर रूहानी पहाड़ थे जिन पर ज़िंदगी की बारिशें हुई और जिन पर खुदा ताला की हैबत से जलजले तारी हुए। अब पहाड़ों पर जब बिजलियाँ गिरती हैं आ हज़ूर पर तो तजलियात उतरती थी तो लर्जा ज़रूर तारी होता है और ज़मीन कांपने लगती है। बैन ही नक्शा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में महफूज है और रावी बयान करते हैं कि बाज़ दफ़ा खुदा के जलाल और उसकी जमातें करते हुए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह का बदन कांपने लगता था, यहाँ तक कि मिंबर लरजने लगता था जिस पर आप खड़े होते थे। हम खौफज़दा होते थे कि कहीं ये मिंबर टूट के ना जा गिरे और आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो जो मिसाल है वो रूहानी मिसाल है मगर जिस्मानी मिसाल की कुछ सूरतें दिखाई तो ज़रूर देती हैं। आपकी ज़ात में जो जलजला तारी हुआ है वो माहौल में भी तारी हुआ है। ये ना सोचें कि पहाड़ तो खुद कांपते हैं तो ज़मीन भी कांपने लगती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो अकेले ही मिंबर पर खड़े खुदा की जबरूत से कांप रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने वो लोग पैदा कर दिए जब जिक्र इलाही होता है इनके बदन पर उनकी जिल्द पर झुरझुरियाँ तारी होने लगती हैं, उनके दिलों पर खुशियत तारी हो जाती है, उनकी रूहें सजदरेज़ हो जाती हैं। तो जलजलों का मजमून हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक महदूद नहीं रहा, आपके माहौल में फैल गया है। और वो सहाबा जिनसे जिन्होंने आपसे अल्लाह ताला की शान के जिक्र सुना है, जिन्होंने आपसे खुदा ताला की अजमत के किस्से सुने और आपके आपके ज़ात के हवाले से अल्लाह ताला की हैबत को देखा, उनके बदन का भी यही हाल हुआ करता था। तख़शीर रोमिन उलजुलू कुरान के नज़ूल के नतीजे में उनकी जिल्दों पर एक जलजला सा तारी हो जाती थी और उनके दिल खशियत के साथ खुदा के हजूर झुक जाया करते थे। और कुरान में ऐसी तासीर थी कि जिससे पत्थर भी फट जाए और उससे भी चश्मे फूट पड़े। तो वो चश्मे जो आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के नतीजे में आपके वजूद से ज़ाहिर हुए हैं वो उन चट्टानों से भी ज़ाहिर हुए जो आपके वजूद का हिस्सा बन गए। वो भी खशियत इलाही से फट जाया करती थी और उनसे हैरत अंगेज मार्फत और इरफान के चश्मे जारी होते थे। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अज़मत तो समझें कि है क्या। मैं इस कमली वाला कह देना, मैं ये कह देना कि रसूलुल्लाह सल्लम हर बात में हर एक से बढ़ गए, एक मुंह की बातें हैं। उन हकीकतों को समझें तो आपके मुंह आरी हो जाएंगे, आजिज़ हो जाएंगे, उन बातों को बयान ही नहीं कर सकेंगे। ये वो जगह है जहाँ कलम टूटता है, जहाँ ज़ुबान रुक जाती है, क्योंकि सिफात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान ज़ाती तारफ़ के बग़ैर मुमकिन नहीं है। पहाड़ की मिसाल को देखें, आप समझते हैं हमने देखा, आप सफ़र भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, लेकिन आपको क्या पता कि इस पहाड़ में कितनी चीज़ें मख़फ़ी हैं। इसलिए एक आम आदमी जब पहाड़ का बयान करेगा तो कहेगा मैं जाके देखा, बड़ी खूबसूरत वादियाँ थीं, झीलें थीं, बहुत प्यारे प्यारे परिंदे भी थे, ये था वो था, वो कह के वापस आ जाएगा। और एक साइंसदान जब पहाड़ का बयान शुरू करेगा तो सब कुछ लिख देने के बाद किताबों की किताबें लिख देगा और आखिर पर कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो एक सरसरी सा जायज़ा है जिसके नतीजे में हमें कुछ इरफान पहाड़ का नसीब हुआ है। आज़रो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरफान का दावा करने वाले अपनी जहालत पर तो नज़र डालें कि वह हैं क्या चीज़।
जब तक सिफात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान के कल्ब पर जारी ना हो और तमाम तर ना सही कुछ नमूने इंसान अपना ना ले, उस वक्त तक वो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत से वाकिफ़ हो ही नहीं सकता। इसी वजह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आँख से जब मोहम्मद रसूलल्लाह को देखते हैं तो एक अज़मतों का पहाड़ जो 1400 साल पहले ज़ाहिर हुआ अपने करीब दिखाई देने लगती है, आज के ज़माने में ज़ाहिर हो जाता है। अगर ये मकसूद ना होता तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो माजी तारीख में दूर से दिखाई देता है वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आजाना ग़ुलामाना मोहम्मद रसूलल्लाह की पैरवी के नतीजे में आँखों के सामने करीब आता हुआ दिखाई देता है, और फिर आप एक एक चीज़ को देखते हैं, एक एक हुस्न को बारीक नज़र से देखते हैं और बताते हैं ये भी हमने उसमें पाया, वो भी हमने उसमें पाया, सब कुछ उससे पाया, शाहिदतुल खुदाया। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अज़मत का पहले एहसास करें और फिर उस सीरत को अपनाने की कोशिश करें और अदब और एहतराम से अपनाने की कोशिश करें। छोटे दिल वाले, छोटे हौसले वाले जब सीरत को इख्तियार करने लगते हैं तो बसा औक़ात तकब्बुर का शिकार होकर उन रफ़तों से गिर कर पारा पारा हो जाते हैं जिन रफ़तों की तलाश में वो निकलते हैं। पहाड़ों का सफ़र खतरात भी तो रखता है, अल्लाह की हिफाजत ना हो तो बहुत से कोपहमा बुलंद चट्टानों से गिर कर हमेशा के लिए लुक़्मे अजल बन जाते हैं, बाज़ दफ़ा उनकी लाश पारा पारा हो जाती है, उसका निशान तक नहीं मिलता। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले जहाँ बेहतियाती करेंगे और तकब्बुर का शिकार होंगे और तकब्बुर के नीचे में गलत कदम रखेंगे तो बजाय फ़ायदा हासिल होने के वो सब कुछ खो देंगे जिसकी तलाश में वो निकले थे। और ऐसे ऐसे बेवकूफ़ पीर और फ़कीर हमने बारहा देखे हैं, आज भी हैं, बारहा उनके मुताबिक लोग इतलाएँ भेजते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने तो सब कुछ पा लिया है, अब हमें इबादत की भी ज़रूरत नहीं, नमाज़ों की भी ज़रूरत नहीं, अब जो कुछ करें बख्शे गए हैं, सब कुछ पा चुके हैं। एक अहमदी ने मुझे लिखा कि ऐसे ही एक पीर से, यानी बुज़ुर्ग गलती से मुँह से निकल गया था, ऐसे एक बूढ़े पीर से उसकी वाकफियत हुई, उसने कहा सब कुछ गया, हाँ जी सब कुछ पा गया, पहुँचे हुए, उन्होंने कहा इबादत की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता, जब पहुँच गए तो इबादत की क्या ज़रूरत है। उसने कहा फिर अजीब बात है कि हज़रत मोहम्मद रसूलल्लाह को ये राज नहीं समझ आया, वो तो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इबादत करते हुए वफात पाए, इला रफ़ीक़ आला कहते हुए, फिर रफ़ीक़ आला कहते हुए, बार बार वज़ू करते हुए, बार बार नहाते हुए, नमाज की नीयत बांधते हुए उसी में बेहोश हो जाते रहे, इस तरह आप दुनिया से रुख़्सत होंगे। ये ज़ालिम, ये जाहिल पीर जो बनी नौ इंसान को गुमराह करने पर तुले बैठे हैं, इनका और शेवा ही कुछ नहीं रहा, ये दुनिया में खुदा तक पहुँचे हुए होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि जी अब हमारे लिए कोई और एहतियात की ज़रूरत ही कोई नहीं, किसी इबादत की, किसी शरीयत की ज़रूरत बाकी नहीं रही, हमने खुदा को हासिल कर लिया। हज़रत मुस्लिम माउद की जो मजलिस कादियान में लगा करती थी वहाँ भी एक ऐसा ही फ़कीर पहुँचा था, उसने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी और चलाकी से हज़रत मुस्लिम माउद को फंसाने की खातिर सवाल यूँ शुरू किया कि जनाब आपका बड़ा शोरा सुना है, एक सवाल लेकर मैं भी जगह जगह घूमा हूँ और कई दफ़ा लोग इस किस्म की बातें बनाते हैं, मुझसे भी ऐसे सवाल करते हैं कि सब उलमाए दीन से सवाल कर लिया, कभी कोई जवाब नहीं मिला, तो अब आपसे लेना चाहता हूँ, कहना ये चाहते हैं कि आपके पास भी कोई नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास भी जवाब नहीं है, ये असल नीयत होती है, बातें और तरह की बनाते हैं। चुनांचे हज़रत मुस्लिम माउद, मैं वहाँ मौजूद था, हज़रत मुस्लिम माउद से उसने सवाल किया कि ये बतलाइए कि अगर कोई किश्ती पर सफ़र कर रहा हो और किनारे पर पहुँच जाए और किश्ती में बैठा रहे तो आप उसको पागल नहीं कहेंगे? हज़रत मुस्लिम माउद ने मुस्करा के फरमाया मैं उसको ज़रूर पागल कहूँगा, लेकिन उससे बढ़कर पागल उसको कहूँगा जो बेकनार समंदर में सफ़र कर रहा हो जिसका कोई किनारा ना हो।
और कहीं किनारा समझ के उतर जाए। किश्ती में बैठा रहने वाला गर्क तो नहीं होगा, मगर वो तो जहां उतरा गर्क हो गया। उसके बाद उसने अगला सवाल नहीं किया, चुप साधी। तो अल्लाह ताला की जात का सफर तो बेकिनार सफर है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के आखिरी सांस तक कदम कदम और तेज रफ्तार के साथ, कभी चलते हुए कभी उड़ते हुए, खुदा की तरफ रवाना रहे। और ये जाहिल लोग कहते हैं जी हमने खुदा को पा लिया, गोया खुदा एक महदूद चीज है, उसको हासिल कर लिया, किनारा आ गया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही। तो आपके अखलाक का भी यही हाल है। आप हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी में हकीकत में कभी कोई किनारा नहीं पाएंगे। आपको और मुझे तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का वो अरफा किनारा दिखाई नहीं देता, जो अगर खुदा ना बताता तो हमें पता ना चलता कि कहां तक मुमताज हुआ। जब तक अल्लाह ताला कुरान करीम में यह ना फरमाता कि मेराज की रात आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने वो आयात दिखाई हैं कि जिन तक फरिश्तों के सरदार की भी रसाई नहीं, वो आयात दिखाई हैं जो उस सरहद तक पहुंचती हैं जो खालिक को मखलूक से अलग करती है। तो क्या आप और मैं तसव्वुर भी कर सकते थे कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरतबा कितना बुलंद है? बस हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बजा फरमाया कि अगर खुदा ना आपके राज खोलता, आपकी मोहब्बत और इश्क के राज, तो हमें कभी मालूम ना होता कि कौन सा वली होता। वो गार हरा में रहने वाला अपने दिल के गार हरा में हमेशा डूबा रहता। खुदा ने आपको जाहिर फरमाया तो तब आप जाहिर होंगे। गर्म पानी। मगर क्यों जाहिर हुए? जज़ाकुमुल्लाह, मेरे गले पे रहम करने का शुक्रिया, मगर अपने गले पे भी रहम करें। ये समझते हैं मेरा गला अब खुश्क हो रहा है तो नारे लगाकर मुझे मौका दे दें थोड़ा सा। शुक्रिया बहुत बहुत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ ये कौल, अल्लाह ताला का ये कौल बयान फरमाते हैं जो अल्लाह ताला ने आपको समझाया और बताया कि कायनात की तख्लीक का राज क्या है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के आखिरी और सबसे आला अरफा फल के तौर पर क्यों पैदा फरमाया गया? फरमाते हैं अल्लाह ताला कहता है कुन तो कन्ज़म मख़फ़ियन फ़अरादतुन उरफ़ा, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैंने इसलिए पैदा किया है कि मैं तो एक मख़फ़ी ख़जाना था, मैंने फ़ैसला किया कि मैं दिखाई दूँ। अब देखें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ज़ाहिर करने की वजह यह थी कि आपकी ज़ात को खुदा ज़ाहिर न करता तो खुदा आपकी ज़ात में हमेशा मख़फ़ी रहता और वो मकसद गायब फौत हो जाता जिस मकसद की खातिर कायनात को पैदा किया गया है। यानी तमाम तर कायनात की जलवागरी के बावजूद अगर हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पैदा को पैदा ना किया जाता तो अल्लाह ताला की ज़ात के मख़फ़ी ख़ज़ाइन दुनिया पर ज़ाहिर नहीं हो सकते थे। और ये वो दावा है जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से आप पढ़ें तो जितना सीरत में सफ़र करते हैं उतना ही ये दावा और ज़्यादा रोशन और ज़ाहिर व बाहिर होता चला जाता है। बस जहाँ तक ईमान का ताल्लुक है, मैंने बयान किया कि ईमान इरफान का नाम है। असल में खाली ईमान कोई चीज़ नहीं, किसी दरख्त पर, किसी फल पर, किसी चीज़ पर उसको देख लें, ईमान ले आएँ, ये तो कोई ईमान नहीं जब तक उसकी सिफात का इल्म ना हो और उसकी सिफात का इरफान नसीब ना हो, उस तक ईमान बेईमानी है।
एक मामूली सी अदना सी चीज़ है। देखें कीड़े भी तो कायनात को देख रहे हैं, कीड़े भी तो दरख्त हजर और शजर को देखते हैं, और अपनी महदूद अपने महदूद दायरे अक़ल में वो ईमान लाते हैं। वो जब पत्थर को छूते हैं तो पत्थर से पीछे हट जाते हैं, नरम चीज़ को छूते हैं तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। वो खरे खोटे में तमीज़ की कुछ ना कुछ सिफात ज़रूर रखते हैं, वरना वो इस दुनिया से कभी के मिट कर फना हो चुके होते। उनको पता है कौन सी चीज़ हमारी मतलब की है, कौन सी नहीं है। कुछ को छूते हैं, कुछ को छूकर छोड़ देते हैं, कुछ को छूकर कबूल कर लेते हैं, और उनका आज तक अरबों साल तक ज़िंदा रहना साबित करता है कि उनके ये सब फैसले दुरुस्त साबित होते हैं। बस उनका ईमान है, और कितना छोटा सा ईमान है, एक सूंडी का ईमान, एक कीड़े का ईमान, कहाँ वो और कहाँ इंसान का ईमान इन चीज़ों पर। वो सारी कायनात पर यूँ अपने आप को बाज़ाफ़ा हावी समझता है। ज़मीन और ज़मीन की नबतात के जो राज इंसान को मालूम हुए हैं, उसका उश्र अशीर भी जानवरों को मजमू तौर पर हासिल नहीं, मगर हर जानवर को अपनी ज़ात के ताल्लुक में जो इरफान है, इंसान को वो अभी तक नसीब नहीं हुआ। बस ये वो अजीब मज़मून है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उस वक्त समझ आता है जब आप अल्लाह ताला के इरफान की बातें करते हैं और ये बताते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात का इरफान है क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है। इस ज़मन में हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि अफज़ल जितने भी ज़िक्र हैं, अफज़ल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सबसे अफजल है, मगर किस में से। फरमाते हैं ईमान की कुछ ऊपर 70 शाखें हैं, और उन शाखों में सबसे अफजल शाख ये इकरार है कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। और ईमान की जितनी बाकी शाखें हैं वो इंसान की सिफात हसना की सूरत में ज़ाहिर होती हैं, और उसके रोज़मर्रा के अफाल से और वो नमूदार होती हैं, वरना वो उसकी ज़ात में छुपी रहती हैं। जो सबसे अदना चीज़ बयान फरमाई वो ये है कि तकलीफ़ दे चीज़ों को रस्तों क्यों रस्तों से हटा देना। और फिर फरमाया हया भी तो ईमान की एक शाख है, यानी आखिर पर हया को नुमाया करने के लिए फरमाया। अब देखें हया और रस्तों से चीज़ों को हटा देने का ईमान से क्या ताल्लुक़ है। हया तो एक तबी सी चीज़ है, और रस्तों से बुरी चीज़ों को हटा देना, आम रोज़मर्रा के नेक लोगों में ये बात पाई जाती है कि वो हटा दिया करते हैं, मगर ईमान से ये ताल्लुक़ है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा खैर का फेल भी अल्लाह के हवाले के बगैर नहीं था। बाज़ रस्तों से चीज़ों को हटाते हैं, ठोकर मार के एक तरफ कर देते हैं, उनके दिमाग के किसी गोशे में भी ये ख्याल नहीं आता कि अल्लाह अपने बंदों के लिए भलाई चाहता है, मैं भी अल्लाह की तरह उसके बंदों की भलाई करूं। बस एक ही फेल एक इंसान की ठोकर भी बन जाता है और एक इंसान के आला खुल्क पर गवाह भी हो जाता है। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुलुक अज़ीम पर वाक़िया हुए, अज़ीम एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर चीज़ पर हावी होता है। बस आ हज़ूर का खुल्क हर इंसानी सिफ़त पर हावी था, हर इंसानी ज़रूरत पर हावी था, कोई अदना सी ज़रूरत भी इस खुल्क की नज़र से के दायरे से अलग नहीं रही। बस ला इलाहा इल्लल्लाह आपका सबसे बड़ा खुल्क था, गैरुल्लाह की नफ़ी करना आपका सबसे बड़ा खुल्क था, और सिफात हसना को अपनाना इस बारीकी के साथ कि मामूली सी चीज़ें जो इंसान के लिए नुकसान का मूजिब हो सकती हैं उनको भी दूर कर दें। ये दो इंतहाओं का ज़िक्र फरमाया है इसके दरमियान जो वसी खुल्क का मज़मून है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उसके बारीक पहलू पर पूरी तरह एक शाह सवार की तरह कायम थे। कदम सिद्क था आपका, अख़लाक़ हसना पर होने का मतलब यह है कि जैसे एक शाह सवार घोड़े को काबू में रखता है, इसलिए इसी तरह आप अपने अख़लाक पर काबू पाए हुए थे, और ये भी एक मज़मून है जो आपको समझना चाहिए।
अगर तबीयत की नरमी है और वो जा बे जा नरमी जा बे जा नरमी की सूरत में ज़ाहिर होती है तो इसको खुलुक़े अज़ीम नहीं कहा जा सकता, अला खुलुक़े अज़ीम बहरहाल नहीं कहा जा सकता। हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये जो फरमाया कि आप खुलक पर वाक़िया हैं, इसका मतलब है कि खुलक पर आपको इख्तदार हासिल था, आप खुलक के ताबे नहीं थे, आपके अख्लाक आपके ताबे थे, इसलिए हमेशा उनका बरमहल इस्तेमाल फरमाते थे। एक हयादार इंसान बाज़ बेवजह यूं ही है शर्माता फिरता है और कोई बात उसे काम की पूछे तो आगे शर्मा के झिझक के नीचे नीचे कर लेता है। बस माएँ कहती हैं मेरे बच्चे की तो यही मुसीबत है, कभी इम्तिहान कभी इंटरव्यू दे तो इसलिए नाकाम हो जाता है कि जवाब देने से भी शर्मा जाता है। अब ये खुलुक अजीम तो नहीं है क्योंकि इसको हया पर अबूर हासिल नहीं है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अखलाक पर अबूर हासिल था और तब वो अखलाक बनते हैं अगर अखलाक पर अबूर हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने नरम दिल वाक़िया हुए थे, नरम खू थे कि आपने कभी ज़िंदगी भर किसी को नहीं मारा, ना किसी औरत को ना किसी खादिम को, लेकिन अल्लाह के रास्ते पे बड़ा जहाद किया है। यानी वो नफ्स की कमज़ोरी नहीं थी जो दिल की नरमी थी, जब गैरों का मजमून आया तो अशिद्दाउ अलल कुफार बन के ज़ाहिर हुए। इतने मजबूती के साथ खुदा के बताए हुए उसूलों पर कायम रहे कि अदना भी किसी की परवाह नहीं। और ये दिल की नरमी का शिद्दत कल्ब के साथ इकट्ठे रहना और मुतवाजन हालत में रहना, इसको खुल्क अजीम कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं आपको जब कभी किसी ने तकलीफ पहुँचाई तो आपने उससे इंतकाम नहीं लिया, हाँ जब अल्लाह ताला की किसी काबिल एहतराम मकाम की हद तक की गई और बेहरमती की गई आप बड़ी कुव्वत के साथ और बड़े जज्बे के साथ उसका इंतकाम लेने के लिए उठ खड़े होते थे। तो रुहमाओ बैनहुम व अशिद्दाउ अल कुफार का ये मजमून है जो इस हदीस में बयान हो रहा है, इन उनका रहम दिल होना उनके दिल की तबी कमज़ोरी के नतीजे में नहीं था बल्कि खुल्क अजीम की वजह से था। और जहाँ सख्ती की ज़रूरत पेश आई है वहाँ बैन ही बरमहल सख्ती फरमाई है और इसको खुल्क कहा जाता है। और यही सिफ्त आपने अपने सहाबा में पैदा कर दी, जैसा कि मैंने बयान किया है आपकी ज़ात से जो नूर फूटा है वो फैलता चला गया है, उन सहाबा के घरों में भी रोशन हो गया जो आपके इर्द गिर्द आपके शाख के तौर पर आपसे नूर हासिल किया करते थे और नूर मांगा करते थे। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें कि नरम दिल में दिली में सहाबा में उससे बढ़कर किसी की मिसाल पेश नहीं की जा सकती, बड़े ही नरम दिल और रकीकुल कल्ब वाक़िया हुए थे, छोटी सी बात पर रोपड़ा करते थे, मामूली सदमे की बात भी बर्दाश्त नहीं हो सकती थी, इतने नरम दिल इतने शफीक हर शख्स से मोहब्बत करने वाले, ऐसे ग़ुलामों को आपने आज़ाद करवाया और बहुत कीमत देकर आज़ाद करवाया जिन पर जुल्म हो रहे थे और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मगर जब एक जंग के मौके पर आपका बेटा खुद कुफार की तरफ से आपके मुकाबले पर निकला है और एक ऐसे मौके पर वो खड़ा था जहाँ वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि बाप सामने था, जब बाद में उसने हज़रत अबू बकर से ये अर्ज़ किया कि देखें मैंने आपको इस तरीके छोड़ दिया था कि आप मेरे बाप थे, तो अबू बकर ने कहा खुदा की कसम अगर तुम मेरे सामने होते मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता, अपने हाथ से तुम्हें कत्ल कर देता क्योंकि खुदा के रसूल के मुकाबले पर निकले थे। अब देखें कहाँ दिल की वो नरमी जो अदना अदना बातों पर आपको रुला दिया करती थी, कहाँ अशिद्दाउ अलल कुफ्फार का ये मंजर। ये हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह का परताव था जो सहाबा में आपके अखलाक के सहाबा के अखलाक को हसीन तर बनाता रहा। बस आपने जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को हासिल करके
بنی نو انسان کی طرف سفر شروع کرنا ہے تو تیاری کریں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کا باریکی کے ساتھ گہرائی کی نظر کے ساتھ مطالعہ کر کے پھر یہ سفر شروع ہوگا. اس کے بغیر تو جس کو آپ خلق سمجھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے بسا اوقات محض آپ کی بے وقوفی ہو, خلق نہ ہو, یا ایک بے اختیار جذبہ ہو جس کی غلامی میں آپ سے بعض باتیں ظاہر ہوں مگر وہ بے محل ہوں تو بہت ہی برے نتائج پیدا کر دیں. نرمی وہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق بتاتا ہے یہاں نرمی ضروری ہے, سختی وہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق بتاتا ہے یہاں سختی ضروری ہے. صحابہ کہ ایک ایسا دور بھی جنگ عہد میں آیا تھا جس کا ذکر آپ پہلے بھی سن چکے ہیں, مگر یہ عجیب واقعہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کا مظہر ہے کہ کس طرح آپ برمحل فیصلے فرمایا کرتے تھے, اور سب سے بڑھ کر غیرت آپ کے دل میں توحید کی غیرت تھی. غزوہ احد میں جب لشکر پراگندہ ہو گیا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک قلیل جماعت رہ گئی اور آپ ایک غار میں پناہ گزین تھے اس وقت, اس وقت ابو سفیان نے یہ سمجھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے گئے, اور اس نے بڑے زور کے ساتھ یہ اعلان کیا تعلی کے ساتھ اور بار بار دہرایا کہ محمد کہاں گیا, محمد ہمارے ہاتھوں قتل ہوا. تین دفعہ دہرایا, صحابہ بار بار جوش سے اٹھتے تھے کہ اس کا جواب دیں, آپ ان کو اشاروں سے دبا دیتے تھے کہ بالکل کچھ نہیں کہنا, میرے متعلق جو چاہیں تعلی کریں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ کہنے کے بعد ابو سفیان نے پھر تین مرتبہ ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر کا ذکر کیا اور کہا کہ کہاں ہے ابو بکر, کہ محمد بھی گیا نعوذ باللہ من ذالک, ابو بکر بھی گیا, عمر بھی گیا, علی بھی گیا. یہ سارے ذکر صحابہ کے نام لے کر کرتا رہا اور بڑی تعلی سے اعلان کرتا رہا. جب وہ یہ سارے نام لے بیٹھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو روکتے رہے کہ خبردار جواب نہیں دینا, کوئی جواب نہیں دینا, تو بالآخر اس نے یہ فخریہ اعلان کیا, اولو حبل اولو حبل, حبل بت کی بڑائی کا اعلان کرو, حبل بت کی سربلندی کا اعلان کرو. جب یہ اس نے اعلان کیا تو محمد رسول اللہ بے قرار ہو گئے, جواب کیوں نہیں دیتے, جواب کیوں نہیں دیتے, اب جواب کا وقت تھا. نے فرمایا یہ جواب دو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ عزت والا ہمارا رب ہمارا اللہ ہے. جب یہ ابو سفیان نے جواب سنا تو اس نے کہا ہمارا تو ایک بت عزا عزا جو بھی ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں. پھر صحابہ خاموش ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب کیوں نہیں دیتے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول ہم کیا کہیں. فرمایا ان سے کہو کہ ہمارا اللہ ولی اور کارساز ہے اور تمہارا کوئی ولی اور کارساز نہیں. اور یہ جو بات ہے یہ اس وقت ایسی برمحل تھی کہ جب ہر پناہ اٹھ چکی تھی اور جواب دینے کے نتیجے میں ان کی وہ پناہ گاہ دشمن پر ظاہر ہو گئی تھی جہاں وہ چھپے ہوئے تھے. اس وقت یہ دعویٰ نہیں, یہ دلیل تھی, یہ اعلان کر رہے تھے کہ دیکھو ہم نے اپنی حفاظت کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی, اس لیے نہیں کی کہ اللہ ہمارا نگہبان ہے, اب جو کر سکتے ہو کر گزرو, ہم اعلان کرتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکو گے. صلی اللہ علیہ وسلم. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کی جو غیرت تھی اور کس باریک بینی سے آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی, اس کے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
एक दफ़ा एक सहाबी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये कहा, माशाअल्लाह व मा शेता, यानी फलां बात वैसे ही हो गई जैसे अल्लाह ने चाहा और जैसा आपने चाहा। तो आँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजालतनी लिल्लाह निद्दन, क्या तूने मुझे खुदा का शरीक बना लिया है? यही कहो माशाअल्लाह वादा कि जो अल्लाह ने चाहा और सिर्फ उसी ने चाहा। इसमें आपकी तरबियत भी मकसूद है। बाज़ दफ़ा आप ये कह देते हैं अल्लाह के फजल से और आपकी दुआ से, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं कसमसा के रह जाता हूँ, मैं क्या कहूँ आपको। दुआ का जिक्र पहले चलता है, जब अल्लाह की तकदीर ज़ाहिर हो तो किसी दूसरे का जिक्र जायज़ नहीं, ना किसी की ख्वाहिश का जिक्र ना उसकी दुआ का जिक्र, सारी चीज़ें अखीर हो जाती हैं। बस माशाअल्लाह वहदहू के सिवा मोमिन का कोई ऐलान नहीं होना चाहिए, वही ज़ाहिर हुआ जो अल्लाह ने अकेले खुदा ने चाहा है। और अगर दुआओं का जिक्र है तो पहले दुआओं का जिक्र करें, फिर कहें कि अल्लाह ताला ने उन आजिज़ाना दुआओं को कबूल फरमाया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का जिक्र करते हैं तो इस एहतमाम के साथ, इस एहतियात के साथ करते हैं कि उस एक आजिज़ बेकस की दुआएं थी। अब देखिए कितना शानदार खराज तहसीन है जो मोहम्मद रसूलल्लाह को दिया जा रहा है। एक आजिज़ बेकस उम्मी की दुआएं थी, ना उसे ज़ाती इल्म था, ना कोई ज़ाती इख्तियार था, बेकस बेबस बेसहारा, मगर वो दुआएं जब मकबूल बारगाहें लाईं तो उन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। सदियों के मुर्दे जी उठे, अरबों का अरब सहरा जाग उठा और जगह जगह उसमें रूहानियत की रुदाद की नबातात ज़ाहिर होनी शुरू, फूटनी शुरू हुई। ये सलीक़े हैं जो तौहीद के सलीक़े हैं जो हमने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे, और इन सबकों को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने देखें इस ज़माने में कैसे दोहराया है। कभी आज तक मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इबारत में ये नहीं पढ़ा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। मुझे जब कोई कहता है दुआ फरमाई तो मुझे लगता है मुझे पत्थर मार दिए। अब शर्म के मारे उसको कह नहीं सकते कि तुम क्या बातें कर रहे हो, है कौन जो खुदा के हजूर कुछ फरमा सके। कई दफ़ा कहो तो बहस करते हैं कि फरमाना हम आपके हवाले से कर रहे हैं, दुआ आप अल्लाह के हवाले से करेंगे। मैंने कहा मुझे कोई हवाला इसके सिवा मंजूर नहीं है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इश्क मोहम्मद रसूलुल्लाह का किसी को नहीं हो सकता था, मगर सारी ज़िंदगी एक मरतबा आपने ये नहीं कहा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। आजिज़ बंदा, बेबस बंदा, उम्मी बंदा, बेकस बंदा, जब गिरिया और जारी करता था, जब रातों को उठ के खुदा के हजूर रोता था, तो उन दुआओं को खुदा ने कबूल फरमाया। ये अजमत को आपको अपने दिलों में, जिसको आपको अपने दिलों में, अपने आमाल में, अपनी ज़ुबान पर जारी करना होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी मोहब्बतें बेराह हो जाएंगी, आपके अदब आपको तौहीद के रस्ते से हटा कर शिर्क की गुमराहियों में मुबतला कर देंगे, घुमा देंगे, आप शिर्क की गुमराहियों में खोए जाएंगे। हर चीज़ का एक मकाम है, हर चीज़ का एक मर्तबा है, और हर चीज़ एक दूसरे से बारीक राहों से जुदा जुदा है। उन राहों को समझें, यही तख्वा की बारीक राहें हैं जिनका बार बार आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र फरमाते हैं, और यही वो पुल सिरात है जिसके एक तरफ जहन्नम और दूसरी तरफ जन्नत है। अगर पार कर जाएँ तो जन्नत है, अगर पहले कहीं गिर जाएं तो दोनों तरफ जहन्नम के आंकड़े हैं जो आपको खींच लेंगे। बस कदम सोच सोच कर और बहुत एहतियात से उठाएं। अगर आप इस मज़मून को समझें तो जन्नतुल मावा हमेशा की जन्नतें आपका इंतज़ार करेंगी, और अगर रास्ते की ठोकरों का शिकार हो जाएंगे तो आपका सफ़र आपकी हलाकत का सफ़र बन जाएगा, निजात का सफ़र नहीं कहला सकता। तो आप दुनिया को निजात देने के लिए बनाए गए हैं, आपको निकाला गया है, आज इस मकसद के लिए पैदा किया गया है कि सारी ज़िंदगी दुनिया को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
जिंदगी बख्श पैगाम पहुंचाओ, और वो जिंदगी बख्श तौहीद का पैगाम है। अपनी ज़ात में तौहीद को जारी करें। मैं जो आपको मुसलसल कह रहा हूँ, अमूमी तौर पर कहता चला आया हूँ, मगर हर दफ़ा कहने के बाद मेरे दिल में फिर प्यास भड़क उठती है कि मैं कुछ कह नहीं सका अभी तक, मैं समझा नहीं सका, मैं दिखा नहीं सका। ठोकरें कहाँ कहाँ हैं जहाँ आपने बच कर चलना है? वो कौन से मुकामात हैं जहाँ बढ़ते हुए पूरे तवक्कुल के साथ, पूरी शान के साथ, तेज रफ्तारी से आगे बढ़ते चले जाएं, आपको कोई खतरा दरपेश नहीं हो? ये राहें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हम पर खोली हैं। बस देखें कितना बारीक नज़र, कितने बारीक नज़र से आप सहाबा के दिल की कैफियत पर निगाह रखा करते थे। एक शख्स ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपकी हैबत से, यानी हैबत इन मानों में जैसे एक अजीम वजूद की हैबत हुआ करती है, बाज़ दफ़ा लोग वाक़ियतन छोटे छोटे मामूली इंसानों के सामने भी गरजने लग जाते हैं। मुझे इसका तजर्बा बारहा हुआ है। बाज़ लोग खिलाफत के मनसब का जिक्र सुनते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, तो जब वो सामने हाजिर होते हैं तो बाज़ दफ़ा वो रोब इतना तारी हो जाता है कि बाज़ बच्चियां मैंने देखी हैं वो कांपने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं। बाज़ मर्द भी चुप साध लेते हैं, बाद में जाके देखते हैं कि हम कुछ कह नहीं सके थे। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हुआ करते थे, मगर आप उनको समझाया करते थे। एक मौके पर मैं भी कोशिश करता हूँ, जहाँ तक बस चले समझाता हूँ, यानी गुस्से की वजह से नहीं, प्यार के इजहार के तौर पर। अल्लाह ताला आपके सामने एक शख्स हाजिर हुआ और रसूल सल्लम के सामने आकर थर थर कांपने लगा, उसके कंधे जोश से हिलने लगे। हुजूर अकरम ने रहम की नज़र से आप उसको देखा और फरमाया, मुझसे मत डरो, मैं तो एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त खाया करती। सुभान अल्लाह, कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त खाया करती थी, मुझसे क्या डरते हो? फतह मक्का के मौके पर आप मक्के में दाखिल हो रहे हैं और अजीम फतह का दिन है जिसकी खुशखबरी खुदा ताला ने आपको दी थी। इससे बड़ा अजीम शान फतह का दिन कभी इंसानी तारीख में रूनुमा नहीं हुआ कि किस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोरी की हालत से उठाकर इस शान से मक्के में दाखिल फरमाया है कि आप तारीख की तलाश करें, कभी ऐसा फतह का वाक़या आपको दिखाई नहीं देगा। बग़ैर खूनरेजी के, बग़ैर जंगो जदाल के, एक अजीम रोब की फतह थी और पहाड़ों की तरह उन पर, उनके दिलों पर रोब तारी हो गया था, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब। लेकिन वो रोब ऐसा था जो दुश्मन पर पड़ता था, उसकी तायीद हुई थी, अल्लाह ताला ने उसकी तायीद फरमाई। अपना दिल क्या हाल था आपके दिल का? बड़े बड़े जर्नैल जब बड़े इलाके फतह करते हैं, बड़े मुल्कों में कदम रखते हैं, तो उनकी शान से उनकी गर्दनें बुलंद हो जाती हैं, गर्दनें अकड़ जाती हैं और सर बुलंद हो जाते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की गर्दन खुदा की अजमत और जबरूत के सामने ऐसी झुकी कि रोते रोते काठी से एक ठोड़ी लग गए, झुक गए, सजदा रेज हो गए। इस शान से ये फतह नसीब जर्नैल मक्के में दाखिल हुआ है। अगर कोई अपनी वजह से समझता हो कि मैंने फतह हासिल किया, वो ऐसे नमूने नहीं दिखा सकता। आप भी दुनिया को फतह करने के लिए निकले हैं, इस इज़ और इनकिसारी के साथ दिलों के दिलों को फतह करें कि खुदा के हजूर रोते रोते आपकी गर्दनें झुक जाएं, अपनी सवारियों की काठियों से गर्दनें लग जाएं। ये वो खुल्क मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो फतह का खुल्क है, जिसे खुल्क अजीम बयान फरमाया गया है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने फतूहात अता फरमाई तो फतह मक्का ही नहीं, वो तो फतूहात का एक आगाज़ था। बहुत बड़ी बड़ी फतूहात इर्द गिर्द के इलाके में फारस तक आपको नसीब हुई, और उस वक्त रोम के इलाके से एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि शाह फारस और रोम, रोम के इलाके से या किसी और जगह से, नई मफ्तू कौमों में से एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा शाहान फारस और रोम को उनकी रियाय सजदा करती है, जब उनके महलात में उनके दरबारों में जाती है तो सर ज़मीन से लगा देती है, सजदरेज हो जाती है, क्या हम भी आपको सजदा ना करें? आपने बड़े जलाल से फरमाया अल्लाह के सिवा किसी को सजदा रवा नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा रवा नहीं। बस जो अजमत भी आपको नसीब हुई वो खुदा की खातिर थी और खुदा ही के हवाले रखी, कभी भी अल्लाह की अजमत को अपने लिए अपनाया नहीं। एक मौके पर, और इतना बारीक ख्याल था कि एक मौके पर आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो बैठकर नमाज पढ़ाने लगे, सहाबा पीछे खड़े हुए तो फरमाया तुम सब बैठ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ, ताकि ये ना समझा जाए कि खुदा के दरबार में मुझे ही बैठने की इजाज़त है। अजीब शान है, इतनी बारीक नज़र से अपने गुलामों की तरबियत फरमाई है कि दुनिया की किसी नबी को ये तौफीक नहीं मिली इस बारीकी और लताफत के साथ अपने सहाबा की तौहीद की हिफाजत करें। बस हमें जो तौहीद नसीब हुई है मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले से हुई है, कैसे कह सकते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से तौहीद मिल गई, अब हमें किसी की परवाह नहीं रही। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की परवाह नहीं होगी तो तौहीद के दायरे से आपको मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, कोई सआदत आपकी बाकी नहीं रहेगी। सब सआदतें सब बरकतें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने में हैं, और यही है जो कुरान बार बार हमें फरमाता है, हमें समझाता है। कुरान करीम ने जो आपके दिल के राज खोले हैं उनमें से एक ये भी था, कुल इन्नमा अना बशरु मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। ये कैसे कह सकता था अल्लाह ताला अगर खुदा ताला आपके दिल पर नजर रखते हुए महसूस न करता कि हर लहजा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल ये कहता है इन्नमा अना बशरु मिस्लुकुम। और इसका इस वाक्या का इजहार पहले गुजर चुका है कि मैं तो ऐसी माँ का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त खाकर गुजारा किया करती थी, हर लम्हा आपके दिल से आवाज़ उठा करती थी, जब भी लोग आपकी तकरीम करते थे आपकी इज्जत करते थे तो दिल कहा करता था मैं तो एक बशर हूँ तुम्हारी तरह का हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कुल, कह दे इनको इन्नमा अना बशरु मिस्लुकुम, मैं तो महज एक बशर हूँ तुम्हारी तरह का, मगर ये भी बता दे यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ये बशर तो हूँ मगर वो बशर हूँ जिस पर वही नाजिल होती है, जिसको खुदा कहता है कि मैं एक ही खुदा हूँ मेरे सवार कोई माबूद नहीं। बस बशर और बशर में वही ने फ़र्क किया, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इजहार इससे बढ़कर मुमकिन नहीं है कि बशर अपने आजी के आखिरी मकाम तक पहुंचा हुआ मिसलुकुम कह दे, हालांकि कहाँ सहाबा कहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहाँ दीगर मुखातब, मगर बशरियत में मिस्र कहना एक बहुत ही अजीम इरफान का बयान है। बशरियत के पहलू से खुदा ने कोई फ़र्क नहीं फरमाया, बशरियत के बावजूद वही का नाजिल होना और इस अजीम वही का नाजिल होना जिसको कुरान कहते हैं यह है आपकी अजमत का निशान। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मजमून को फिर दूसरी जगह यूं बयान फरमाते हैं जो कुरान ने आपको समझाया और बताया कि ऐलान कर बता दे सबको
انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. कि देखो मैं भी भूल जाता हूं जैसे तुम भूल जाते हो. कैसे तसल्ली दे रहे हैं बनी इंसान को कि तुम भी उससे भी बशरी खताएं सरजद हो जाती हैं. देखो मैं भी तो भूल जाया करता हूं, घबराना नहीं. मगर इसके बावजूद जब अल्लाह ताला की वही नाजिल होती है तो ऐसी वही नाजिल होती है जो उन मकामात पर भूलने नहीं देती जिन मकामात पर याद रखना ज़रूरी है. और यह फ़र्क है एक आम बशर में और एक वही याफ्ता बशर में. आ हज़रत फरमाते हैं कि तुम भी भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ. अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारा ज़िम्मा है, तुम ज़ुबान को तेज़ी से हरकत ना दो. हम ज़िम्मेदार हैं कि जो कलाम तुम पर उतारा जा रहा है तुम उसको याद रखोगे. और हम दूसरी जगह फरमाते हैं हम याद रखने के लिए तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेंगे. बस कोई एक मकाम भी जहाँ बशरी कमज़ोरी के नतीजे में साहिब वही नबी भूल सकता था वहाँ बशरियत उसके वही के तकाज़ों की राह में हायल नहीं होने दी गई. इसलिए यह गलतफहमी भी दूर कर दी गई. कोई कह सकता है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद ये बात भूल कर हमें कह दी हो. अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं, वो ऐसा बशर नहीं है कि खुदा के ताल्लुक में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा हो और भूल चूक उसकी जिम्मेदारियों की राह में हायल हो जाए. मगर आम उमूर दुनिया में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को ना सिर्फ लोगों जैसा बयान फरमाया करते थे, बाज़ दफ़ा उनको बाज़ उमूर दुनिया में अपने से ज़्यादा जानने वाला भी बयान कर देते थे. ये भी आपकी इनकिसारी की इंतहा है. एक मौके पर सही मुस्लिम में रवायत है किताबुल फ़ज़ाइल में, अंतु फरमाया अंतुम आलम व बेअमर दुनिया को, अपने दुनिया के मामलात में तुम ज़्यादा आलम हो. अब है तो बहुत बड़ी दाद जो दी गई है मगर दुनिया की हैसियत क्या है, दुनिया का इल्म क्या हैसियत रखता है. चंद दिन का फ़ायदा ही है ना जो उससे हासिल हो सकता है. इल्म वो जो दुनिया का भी मुहाफ़िज़ हो जाए और आखिरत का भी मुहाफ़िज़. तो वहाँ उनको दाद दे दी कि वो ये ना समझे कि हम बिल्कुल महरूम हुए बैठे हैं. मैं फिक्र न करो, दुनिया के मामलों में तुम बेहतर जानते हो. एक मौके पर जबकि खजूर के पौधों को नर मादे से पौधों को की तौलीद के लिए नर मादा मादे से मुराद मादा नर मादा नहीं बल्कि नर मादा जो नर फूल के ऊपर रखता है वो सफूफ सा. मैं इसलिए झिझका हूँ कि मादा से कहीं आप गलत माना ना समझ जाएं. वो सफूफ जो नर खजूर के स्टेमन्स पर पैदा होता है उसको मादा सुराही के ऊपर मुंतकिल किया जा रहा था शाखें तोड़कर नर दरख्तों से मादा दरख्तों के ऊपर सहाबा छिड़क रहे थे. क्योंकि अंगूर खजूर के दरख्त को बराबर करने के लिए फलदार बनाने के लिए लाजिम है कि नर सफूफ मादा रहम के ऊपर छिड़का जाए, उसके बगैर वो बराबर नहीं होता. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मैं क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो और उसी तरह छोड़ के बैठ गए. कुछ अरसे के बाद हाजिर हुए कि या रसूल आपने तो मना कर दिया था, ये तो सारे खजूर ज़ाया हो गए, इनमें तो फल ही नहीं आ रहा. आपने फरमाया कि मैं दीन का रसूल हूँ, दुनिया का रसूल तो नहीं. मुझे खुदा ताला ने उलूम दीनिया सिखाने के लिए भेजा है, उलूम दुनिया सिखाने के लिए नहीं भेजा. मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ एक दफ़ा कि ये भी इनकी सारी थी. क्योंकि उलूम दुनिया भी हमने आज़ूर से ही सीखे हैं. रोज़मर्रा का उठना बैठना, मिसवाक करना, सफाई बदन की, सेहत की एहतियातें, किस चीज़ को इस्तेमाल करना है सफाई के लिए, किसको नहीं करना, खाना खाना है तो कितना खाना है, कितना पेट खाली रखना है, कौन से अमूर दुनिया हैं जिन पर आपने रोशनी न डाली हो, तिजारत के राज हमें सिखाए, तिजारत की तरक्की के गुर बतलाए,
बताया कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके नतीजे में कौमों की तजारतें तरक्की करती हैं, कौन सी बदखुलकियाँ हैं जो तजारतों को भी हलाक कर दिया करती हैं, कौन से अमूरी दुनिया हैं जो अपने नाम बतलाए हों। मगर इंकिसार का ये आलम है, उनको फरमाया मैं तो दीन की सिखाने के लिए भेजा गया हूँ, दुनिया के कामों में तुम ज़्यादा जानते हो। औरतें बाज़ दफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत के गीत गाया करती थीं। बुखारी किताबुल मगाज़ी में ज़िक्र है कि एक मौके पर औरतों ने नगमा गाते हुए अर्ज़ किया, वफ़ीना नबीयुन यालमु मा फ़ी ग़दी, कि हम में तो एक ऐसा रसूल है जो जानता है कि कल को क्या होगा। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी बात मत कहो, ऐसी तारीफ मत करो जो खिलाफ वाक़या हो, और अपनी तारीफ में आप किसी को मुबालगे की इजाज़त नहीं दी। वरना कोई कह सकता था कि इनकी मुराद ये होगी कि अल्लाह ने इसको गैर की खबरें दी हैं, लेकिन चूंकि एक मफहूम ये भी निकल सकता था कि ज़ाती तौर पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इलम यानी कल का इलम रखते हैं, इसलिए आपने इसकी इस्लाह किए बगैर बात को वहीं लटका नहीं रहने दिया। और कोई भी एक ऐसा मौका नहीं है जहां इस्लाह की ज़रूरत थी आप खामोश रहे हों। चुनांचे उलमा ने एक हदीस को हदीस तकरीरी बयान किया है, वो कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अमूर दीनिया में कोई ख़िलाफ़ शरा वाक़िया हो रहा हो और आप मना ना फरमाएं। इसलिए अगर ये साबित हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कोई वाक़िया हुआ है और आपने मना नहीं फरमाया, तो इसको हदीस तकरीरी कहते हैं। यानी हदीस तकरीरी का मज़मून तकरीर के मज़मून से बिल्कुल बरक्स है। मतलब यह है, ये हदीस है, यानी ये आ हज़रत की तर्ज है, खामोशी है जो बयान करती है कि इस बात में कोई हर्ज नहीं है। अब ये जो औरतों का नगमा है आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में गीत गाना, इसके मतलब बाज़ दफ़ा बाज़ अहमदी भी ये एतराज़ करते हैं कि आपकी MTA के ऊपर औरतों की आवाज़ में गाने सुनाए जाते हैं, जबकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने औरतों की आवाज़ में गाने सुनना मना फरमाया है। अव्वल तो उनको इतनी भी अक़ल नहीं होती कि जो मोहम्मद रसूल ने मना नहीं फरमाया, हज़रत मसीह मौऊद कैसे मना फरमा सकते हैं। कुछ और बात है जो मना हुई है, कुछ बात ऐसी है जो मना नहीं हुई, और जो मना नहीं हुई वो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। उस तहरीर को पढ़ते नहीं, उसमें यह लिखा है कि औरतों के फाशा गानों से या फाशा औरतों के गानों से अखलाक ख़राब होते हैं, इसलिए ऐसा काम ना करो। मगर अगर गाने अल्लाह और दीन की मोहब्बत के गाने हों, तो औरत की आवाज़ हो या मर्द की आवाज़ हो, आवाज़ तो बहरहाल दिल पर असर करती है। नेकी की आवाज़ नेक असर पैदा करेगी और बदी की आवाज़ बद असर पैदा करेगी। बस एक दफ़ा नहीं, बारहा साबित है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की आवाज़ में नेकी के गाने सुने और मना नहीं फरमाया। एक मौके पर, और ये हदीस तकरीरी बन जाती है इस इनमानों में, कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे हुए थे, मुँह दूसरी तरफ था, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हमजोलियाँ बैठी, वो उस वक्त जो भी दफ़ की किस्म मुहैया थी मिजराब पर, वो छेड़ कर वो गाने गा रही थी और अच्छे नेकी के गाने गा रही थी। रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी हया की, जो गैर मामूली थी, उसकी वजह से मुंह दूसरी तरफ कर लिया, मगर खामोशी से सुनते रहे, मना नहीं फरमाया। हज़रत अबू बकर हाजिर हुए तो वो डर के मारे सारी दौड़ गए। अब देख लें कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की नरमी क्या चीज़ है और अबू बकर के दिल की नरमी क्या चीज़ है। वो दौड़ पड़ी तो रसूल सल्लम ने मना फरमाया, और अबू बकर ने उनको, जहाँ तक मुझे याद पड़े, डांटा भी उनको कुछ, आपने मना फरमाया कि ऐसा ना करो, इसमें हर्ज क्या था।
तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से हमने अखलाक सीखने हैं, और अगर उन दायरों में महदूद रहें जिन दायरों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बानी हुक्म फरमाया हो या हदीस तकरीरी बातों को जायज़ करार दे, तो किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि उसके खिलाफ़ ज़ुबान खोले। हाँ, अगर बाज़ ख़राबियों का एहतमाल हो तो जहाँ वो एहतमाल पैदा हो वहाँ कदम रोकने ज़रूरी हैं, और इसी वजह से मैंने रफ्ता रफ्ता महसूस करके कि बाज़ नाम सुन सुन के लोगों की तवज्जो पैदा हो गई है कि फ़लाँ की अच्छी आवाज़ है, मना कर दिया कि अब जो बड़ी उम्र की औरतें हैं उनका नाम नहीं लेना। अगर वो अच्छी आवाज़ में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मदाहिया या नातिया कलाम पढ़ती हैं तो पढ़ने दो, उसका दिल पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन औरत का नाम ही कोई नहीं, उसका वजूद ही सामने नहीं, इससे किसी बदबख्त को क्या फ़र्क पड़ेगा। एक तो नेकी की बातें हों। अब देखने वाली बात यह है कि जिस माशरे से ख़त आते हैं वहाँ दिन रात हर गली में गंदे फिल्मी गाने ऊंची आवाज़ से हर घर में सुनाई देते हैं, आपके घर हो या ना हो हर तरफ वो गंदी आवाज़ें उठ रही हैं और गाने उठ रहे हैं। और लिखने वाले भी ऐसे हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे हलफ उठाकर कह सकते हैं कि आप फिल्मी गाने नहीं सुनते, तो चुप कर गए, कोई जवाब नहीं दिया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी और दीन के मामलात में ये तफरीक कर देना सवाए इसके कि मुनाफ़त पैदा हो, इसके ज़्यादा इसके सवाए इसको कुछ नहीं कह सकते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर किस्म की फाशा भी मंजूर है, दिन रात फिल्मी गाने सुनाए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, और MTA पर कोई नेकी की बातें करे, हमदो सना के गीत गाए तो एतराज़ के लिए उठ खड़े हो जाए। मगर हमने तो इनसे दीन नहीं सीखना, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, वो एहतियातें लाजिम हैं जिनके बगैर बाज़ दफ़ा ये ख़तरा होता है कि नेकी के कामों से भी बदी की राहें फूट पड़ती हैं। तो हम जहाँ तक मुमकिन है उन एहतियातों को खत पर निगाह रखते हैं, और अगर फिर भी कोई बीमार दिल है तो हम क्या कर सकते हैं। बीमार दिलों का तो ये हाल है कि कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम आयात नाजिल करते हैं, फज़ादा हुमुल्लाहु मरादा, बीमार दिलों की बीमारियां बढ़ जाती हैं, अल्लाह के कलाम से बढ़ जाती हैं, तो एक औरत की आवाज़ से बढ़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। दिल बीमार हों तो बाज़ दफ़ा दवाएँ भी जहर का असर करती हैं, कुरान से बढ़कर शिफा और क्या हो सकती है, फिर शिफा और शहद से बढ़कर शिफा क्या हो सकती है, यानी बदनी तौर पर। रूहानी तौर पर कुरान शिफा में हर दूसरी शिफा से बहुत बढ़कर है, लेकिन कुरान करीम ने शहद को भी शिफा करार दिया है। एक मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बीमार का जिक्र किया और ये बताया गया कि वो उसको इस तरह तकलीफ़ है, असाल थे या कोई तकलीफ थी, आपने फरमाया शायद दो, शायद दिया गया, उसके असाल ज़्यादा हो गए। तो शिकायत की कि यार सुनो उसकी तो बीमारी बढ़ गई, आपने कहा उसका पेट झूठा है, शायद झूठा नहीं, मुराद ये है कि उसकी बीमारी की हालत ये थी कि शफास की ताकत नहीं है उसमें, और बाज़ दफ़ा दवा से गलत रद्द अमल पैदा होता है, दवा दुरुस्त होती है, और ये अमल एलोपैथी में भी मुशाहदे में आता है और होम्योपैथी में भी मुशाहदे में आता है, जिसको हम कहते हैं बड़ा रद्द अमल हो गया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद मुझे ये मालूम हुई कि शहद जितनी थोड़ी मकदार में देना चाहिए था तुम उससे ज़्यादती कर गए हो, और वो उसका पेट उसको बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं रखता था। तो ये तो मुराद नहीं कि शिफा है तो प्याले के प्याले पिला दो, कोई दवा भी जिसमें शफा हो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पिला दो तो मरीज़ उनको मारेगी वो दवा। होम्योपैथिक पोटेंशियों में भी हमने देखा है, आजकल जमात में बड़ा इसका चर्चा हो रहा है, बाद बीमार को ताकत से बढ़कर दवा दे देते हैं तो उसके उसका हाल बिगाड़ देते हैं, बाज़ दफ़ा वो ठीक ही नहीं होता था। और बाज़ बड़े बड़े आलिम माहिर फ़न अतिबा ने बताया है कि बाज़ पोटेंसियाँ ऐसी हैं कि अगर तुमने एहतियात से इस्तेमाल ना किया तो मरीज़ को शफा देने की बजाय उसको मार बैठोगे। तो ये मज़मून है, मैं ज़िमनन समझा रहा हूँ
कि आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया लाजमन उसका यही मतलब था कि अल्लाह ताला ने जब फरमाया है कि शहद में शफा है तो खुदा सच्चा है, शहद में ज़रूर शफा है। तुम तरीक़े सोचो कि किस तरह शफा हासिल की जाए, और अगर बेतरीक़ा दोगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं उठाओगे। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत आपके कौल से ही ज़ाहिर नहीं होती थी, आपके फ़ेल से भी ऐसे ज़ाहिर होती थी कि उसकी कोई मिसाल आपको दूसरी जगह दिखाई नहीं देगी। आपने हर उस चीज़ से बावजूद ताकत रखने के एतराज़ फरमाया जो किसी इंसान की शान बढ़ाने का मूजिब बन जाती है। लिबास सादा रखा, रहन सहन सादा रखा, खाना पीना सादा रखा, ओढ़ना बिछोना सादा रखा। इसलिए नहीं कि वो नेमतें आपके लिए नहीं थीं या नेमतों का इस्तेमाल नाजायज़ था। कुरान करीम तो फरमाता है कि तमाम नेमतें कौन है जो उन नेमतों को हराम करार दे जो खालिसतन हमने अपने बंदों के लिए बनाई है। खाना पीना हर चीज़ उसमें शामिल है, और लिबास भी। और क़यामत के दिन तो खालिसतन हमारे बंदों के लिए होंगी, और दुनिया में मोमिनों की खातिर ये आला दर्जे की चीज़ें पैदा की गई हैं। तो हज़रत मोहम्मद रसूलल्लाह जो मोमिनों के सरदार थे, तमाम कायनात की नेमतें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की मेहमान नवाजी के तौर पर पैदा की गई। अगर ये नतीजा निकाला जाए तो इसमें कतन मुबालगा नहीं होगा। मगर अमदन छोड़ी, क्यों छोड़ी? इसलिए कि हर नेमत का बशरियत के दर्जे के बढ़ने से भी एक ताल्लुक हुआ करता है। जब बादशाह बड़ी आलीशान कीमती कमाओं में रूनुमा होते हैं तो उनकी इज्जतें बढ़ जाया करती। जब अच्छी खुराक खाने वाले बहुत आला दर्जे की खुराक इस्तेमाल करते हैं, उनके दस्तखानों पर चुनी जाती हैं, तो उनके मर्तबे बुलंद हो जाया करते हैं। ये आज़ूर की एहतियात थी। खुदा ने आपको इतना बुलंद मर्तबा अता फरमाया था जो सहाबा ने अपनी आंखों से देखा था कि अगर ज़रा भी बेहतियाती फरमाते अपने लिबास ओढ़ने बिछोने में तो आपके मर्तबे को बशरियत से बढ़ाकर उन्हें पता नहीं कहाँ पहुँचा देना था। बे इंतहा कुर्बानी की तौहीद की खातिर। आप जब ये पढ़ते हैं कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा लेटे हुए थे तो चटाई से आपके बदन पर निशान पड़ गए। जब चटाई की बुनती होती है आपकी सारी जेल पर वो बुनती दिखाई दे रही है। एक सहाबी ने जिन्होंने देखा उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मैं क्या देख रहा हूँ? हज़रत उमर के मुझे रवायत है, आपने कहा कि या रसूलुल्लाह आप और ये बिस्तर, ये बिछौना। इब्ने मसूद की रवायत है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की, वो कहते हैं हमने अर्ज़ किया, यानी मालूम होता है दो तीन सहाबा थे जिन पर ये, जब इन पर ये उनको ये इत्तला हुई कि ये वाक़या हुआ है तो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया क्या हम आपके लिए बहुत आरामदेह बिछौना ना बना दें? फरमाया मुझे दुनिया और उसके आरामों से क्या ताल्लुक है, मैं इस दुनिया में उस चतुर सवार की तरह हूँ जो एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए उतरा और फिर शाम के वक्त उसको छोड़कर आगे चल पड़ा। आराम से क्या नस्बत है? इसमें एक मजमून तो वही है जो मैं बयान कर चुका हूँ, एक और मजमून है कि आप दुनिया को मैं सरसरी और आर्जी सी चीज़ समझते थे। कभी किसी शुतर सवार को देखा है कि दरख्त की छाँव से ही चिमट के बैठ रहे हैं और वहीं का हो रहे? तो मैं तो आर्जी सा ठिकाना है, दरख्तों की छाँव तले तो बाद तुम ज़मीन पर ही बैठ जाते हो, वहीं लेट जाया करते हो, वहाँ तो चटाई भी मुहैया नहीं होती। ये दुनिया तो मेरे नज़दीक एक आर्जी छाँव है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं। आज आया हूँ तो कल अपने रफ़ीक आला की तरफ वापस चला जाऊँगा, मेरी सारी नेमतें उसी के साथ वाबस्ता हैं। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात में भी एक अजीम इज्ज़ होता था और इज्ज़ के साथ गहरा इरफान था जो इंसान को नसीब होता है। बस बाद लोग इज्ज़ इख्तियार करते हैं वो भी दिखावे की खातिर,
बाद लोग टाट पहन कर फिरा करते थे और बाद सूफी थे जो झूठा खाना फर्ज समझते थे, बाद लोगों के सामने वो महज बुरा फांक लिया करते थे कि हमें तो इससे ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं। बाद सूफियों में मतलब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी लिखा है कि खाने के साथ थोड़ी सी गंदगी भी मिला लिया करते थे, हम तो ऐसे लोग हैं, सब झूठ, सब मक्कारी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुर्बत के तरीक़े में भी ऐसी पाकीज़गी थी, ऐसी नफासत थी कि इससे ज़्यादा नफीस इंसान कभी देखा नहीं गया। आपके पसीने से भी खुशबू आती थी और खुशबू आती है मगर अगर बदन में सेहत हो और बदन हर किस्म की आलूदगी से पाक हो। बाद लोग समझते हैं मुबालगा है, हकीकत यह है कि वो इंसान जो नहायत ही लतीफ़ ज़िंदगी बसर करता हो, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एक चावल का दाना भी ना खाए बल्कि भूख से पहले हाथ खींच ले और इसकी ज़िंदगी का मामूल नहायत सेहतमंद और मेहनत का मामूल हो और वो रोज़ाना गुस्ल भी करे और सफाई का हर लहजा ख्याल रखे इस ख्याल से कि अल्लाह ताला को सफाई पसंद है। अगर आप अब किसी इंसान से प्यार करें और आपको पता हो कि उसको सफाई पसंद है तो आप ज़रूर सफाई का ख्याल रखेंगे, और जिसको ये पता हो कि अल्लाह की मुझ पर नज़र है और उसको सफाई पसंद है तो आप बताएं रसूलुल्लाह सल्लम किस हद तक सफाई का ख्याल में रखते हैं। तो ऐसे बदनों से भीनी भीनी खुशबू आया करती जिनके अंदर साले खून दौड़ता है, लोगों के सांस तब गंदे होते हैं, लोगों के पसीने तब बदबूदार होते हैं जब उनके बदन में ताफुन दौड़ता है। और अक्सर मेदे की खराबी सांस की बदबू में भी ज़ाहिर होती है, पसीने की बदबू में भी ज़ाहिर होती है, फुजले की बदबू में भी ज़ाहिर होती है। बस ये बातें मुबालगे की बातें नहीं, ये हकीकत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा बदन से जो पसीना फूटता था उससे भी खुशबू आया करती थी, लेकिन उसमें कोई दिखावा नहीं था। एक बेख्तियार सादा सी अज खुद रोज ज़िंदगी थी जो आगे बढ़ती चली जा रही थी और नज़र थी तो सिर्फ अल्लाह पर, वो देखता है। और वही मज़मून है जो हज़रत मसीह अलैहि सलाम के अशार में बार बार हम सुनते हैं और दिल पर वज तारी हो जाता है, सुभान मन यरानी सुभान मन यरानी, पाक है वो ज़ात जो हर हाल में मुझ पर नज़र रख रही है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे उसकी नसीहत दूसरों को करते थे, और चूंकि आपने तमाम दुनिया को अच्छी नसीहतें करनी थी इसलिए एक भी खूबी की बात नहीं थी जो आप कहते हों और आपकी ज़ात में ना हो। ये दोगलेपन का कामिल फुकदान, एक अजीमुशान खुल्क है जो हैरत अंगेज़ है, जो वाक़ईतन इंसान को समंदर की हैरतों के समंदर में गर्क कर देता है। नामुमकिन है आप अपनी ज़ात पर गौर करके देखें तो आपको कौल और फेल में कोई अदना सा भी तज़ाद दिखाई ना दे। एक मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स जो ज़ालिम सफ़ाक था जिसके कत्ल का हुक्म दे दिया गया था वो लाया गया और सहाबा ने उसको कत्ल नहीं किया, हालांकि उसकी पिछला किरदार ऐसा ज़ालिमाना था कि उस पर कत्ल वाजिब हो चुका था। तो जब वो वक्त गुजर गया उसको रसम खामोश रहे। अब खामोशी भी देखें कहाँ है, जहाँ आपको अफ़ का हक है, इन सब की जान बख्शी का आपको खुदा की तरफ से हक था, लेकिन उस हाल में जबकि वो माफ़ी के लिए उसको लाया गया है आपने मुनासिब नहीं समझा कि उसके कत्ल का हुक्म दें, मगर जानते थे कि ये जान बख्शी के लायक नहीं है। जब वो गुजर गया तो आपने इस बात का इजहार किया
तो एक सहाबी ने कहा कि या रसूल आप आंख का इशारा कर देते, इशारे से बतला देते। आपने बड़े जलाल से फरमाया नबी की आंख खान नहीं हुआ करती, ये नामुमकिन है कि मेरी आंख वो इशारे करती जो मैं कह नहीं सकता था। ये है अजमत किरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी जात में कोई भी दोगलापन नहीं, कहीं भी नहीं था। बस जब खुदा ताला फरमाता है कि अपनी नज़र को दौड़ाओ और सारी कायनात का मुतालिया करो, वो थकी हारी लौट आएगी, तुम उसमें कहीं कोई तजाद नहीं देखो। तो खुदा की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात में भी तुम यही पाओगे। नक्स की तलाश में, तजाद की तलाश में सारी जिंदगियां तुम बर्बाद कर दो, तुम्हारी नजरें थकी हारी लौट कर वापस आ जाएंगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात में तुम कहीं की तजाद नहीं देखो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे फिर उसका इरशाद भी फरमाते थे, बहुत प्यार से मोहब्बत से नसीहतें फरमाया करते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि एक मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह दुनिया में इस तरह ज़िंदगी बसर कर जैसे तू दुनिया में कोई अजनबी या कोई मुसाफिर हो। अब अजनबी और मुसाफिर के लफ्ज़ बहुत ही रहनुमा लफ्ज़ हैं। अजनबी लफ्ज़ अजनबी शख्स के साथ अगर कुछ ज़्यादती भी हो जाए और मुसाफिर के साथ अगर कोई ज़्यादती भी हो जाए तो वो समझता है कि कोई थोड़ी सी तो बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने आगे निकल जाना है। और अजनबी की में ये भी एक बात है कि वो दिल लगा नहीं बैठता किसी चीज़ से जो उसकी ना हो, और मुसाफिर में भी ये बात पाई जाती है। होटलों में आप ठहरते हैं, बड़े से बड़े होटल हों, मगर कभी भी ये नहीं ख्वाहिश होगी कि हम इस होटल में बस ही जाएं। कुछ देर ठहरते हैं फिर अपना घर याद आता है, घर खा गरीबाना भी हो। तो बात वही सच्ची है जो इस मुहावरे में मिलती है कि जेड़े ऐश चुबारे ना बलख ना बुखारे। जो चुबारे के मज़े हैं अपने, चाहे गरीबाना ही हो, ना बलख में है ना बुखारे में है। तो ये सारी नसीहतें हैं जो इस बात में फरमाई गई हैं। फरमाया दुनिया से ऐसा दिल ना लगा बैठो कि दुनिया ही के हो रहो। याद रखो तुमने जाना है, और जहाँ जाना है वो ज़्यादा पुरलुत्फ जगह है, वही बका की जगह है। जो तुम्हारे हमेशगी के घर का मज़ा है वो इस आर्जी घर में कहाँ है। इसलिए वक्त, वो कहते हैं वक्त को टलाओ या जैसा भी है गुजारा करो और आगे गुजर जाओ, इस तरह ज़िंदगी बसर करो। अगर इस तरह ज़िंदगी बसर करें तो आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि लोगों की सिर्फ चीना झपटी शुरू कर दें। हम वाल जमा करने का शौक़ ऐसा सर पे चढ़ जाए कि पागलों की तरह लोगों की जायदादें भी अपनानी शुरू कर दें, किसी का हक मारने लगें, किसी यतीम का हक मार जाएं, किसी बेवा का हक मार जाएं, तो उसके भाई का भी हक मार जाएं, बहन का भी हक मार जाएं। ऐसा पागलपन तो सफ़रों में नहीं हुआ करता। सफ़रों के दरमियान तो खुदगर्ज इंसान भी जो सफ़र की मुश्तरक चीज़ें बराबर बांट के आराम से खाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तो सफ़र का किस्सा है। बस ये भी नसीहत इसमें है कि तुम आर्जी तौर पर यहाँ आए हो, क्या क्या छीना झपटी में वक्त खर्च करोगे। ये मंजिलें तो ठहरने की मंजिलें नहीं हैं, तुमने आगे गुजर जाना है। इस अंदाज़ से हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को अदब सिखाते थे, अख़लाक सिखाते थे। अदब से मुराद एक तो अदब है ना, एहतराम करना, एक अदब से मुराद ज़िंदगी के रहने का सलीका भी है। इन मानों में मैं कह रहा हूँ कि आपने सहाबा की तादीब फरमाई, आपको ज़िंदगी ज़िंदा रहने के गुर सिखाए। जहाँ तक अल्लाह ताला से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, ये एक मज़मून ऐसा है जिसका कुछ हिस्सा हमें मालूम है और अक्सर ऐसा है जो हमारी नज़र से उजला है।
और कोई आँख नहीं है जो इसकी गहराई तक पहुँच सके। चंद बुनियादी मोटी मोटी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र ज़रूरी था, इसलिए अल्लाह ताला ने आपके चेहरे से पर्दा उठाया है, आपकी ज़ात के चेहरे से पर्दा उठाया है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें इल्म है ना, हो सकता है। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का सफ़र इख्तियार करें तो बाज़ अचानक बाज़ बातें याद आती हैं कि देखो, हमने इस सफ़र के दौरान ये महसूस किया और एक छोटी सी नेकी की खातिर हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी कुर्बानी करनी पड़ी। अचानक ख्याल आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यही काम किया करते थे तो हमसे बहुत बढ़कर बड़ी नौ इंसान के लिए कुर्बानियाँ किया करते थे और बताते नहीं थे। बस आपकी खामोशियों में जो आपकी हुस्न की कहानियाँ छुपी हुई हैं वो अजीम तर हैं उन कहानियों से जो बयान हो गई, और उसके लिए सफ़र, सीरत का सफ़र आपकी नसीहतों के हवालों से मुमकिन है, उसके सवा मुमकिन नहीं है। मैंने तो जब भी हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलल्लाह की सीरत के हुस्न में सफ़र इख्तियार किया है तो आपके कलाम से, आपके कौल से जब गौर किया तो पता चला कि ये तो एक अजीम मज़मून है मोहम्मद रसूलल्लाह की सीरत का, जो लोगों को बातें कह रहे हैं अपने दिल पर, उससे बढ़कर वो कैफियतें तारी हुई थी। जैसा कि बसा अवकात में आपके सामने ये बात खोला करता हूँ कि जब हज़रत अबू हुरैरा ने इस आयत के माने पूछे कि वह युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम ख़सासा, तो इसकी तफसीर रसूल सल्लम ने आपको कैसे समझाई। लोग यहाँ तक पहुँच के रुक जाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा को सबसे बाद प्याला मिला और ये समझाया कि तुम अगर इस आयत के माने पूछते हो तो अपनी भूख की शिद्दत के बावजूद, जब तक अपने भाइयों की खातिर अपनी भूख की कुर्बानी पेश नहीं करोगे, जब तक दूध पहले उनको देने पर तैयार ना हो और ये महसूस ना करो कि तुम्हें सख्त भूख लगी है, उसके बावजूद तुम्हारे भाई दूध पहले पी रहे हैं और पता नहीं कितना पी जाए, जब तक इस तकलीफ़ से ना गुजरो तुम्हें पता ही नहीं लग सकता कि इस आयत के माने क्या हैं। वो यो सिरू ना आला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम ख़सासा, कि वो अपने भाइयों पर अपने नफ्स की ज़रूरत को तरजीह देते हैं खा कैसे ही तंगी की हालत क्यों ना हो। यहाँ तक लोग पहुँच के ठहर जाते हैं, मगर ये भी जानते हैं सबसे आखिर पर मोहम्मद रसूलल्लाह ने वो दूध पिया था। लाजिम है कि आपको सबसे ज़्यादा भूख की तकलीफ उस वक्त हुई और उसके बावजूद आप तफसीर का वो आखिरी नुक्ता है मेराज थे कि देखो मुझे, देखो मुझ पर दूध उतारा गया, मेरे लिए उतारा गया, मैं अपने गुलामों के लिए देखो कैसी कुर्बानी के नमूने दिखा रहा हूँ, उनकी ज़रूरतों पर तरजीह देता हूँ। अबू हुरैरा को उसको उनके हवाले से बता दिया और अपने हवाले से आगे बात भी की। बस इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मोहम्मद रसूलल्लाह की सीरत का सफ़र तेज़ी से गुजर जाने वाला सफ़र नहीं है। एक भंवरे की तरह फूलों के ऊपर बैठें और गहरा उतर कर उनके रस तक पहुंचने की कोशिश करें, एक तितली की तरह उनके रंगों को अपनाएं और उनकी सोबत में बैठकर अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ पैदा करें, खुशबू पैदा करें, जैसे मिट्टी जो फूलों के नीचे होती है उसमें भी खुशबू पैदा हो जाती है। बस ये है सीरत का सफ़र जो हमें इख्तियार करना है, और कदम कदम एहतियात से हालात का जायज़ा लेकर, गिर्दो पेश का जायज़ा लेकर, अपने रद्द अमल पर नज़र रखते हुए ये एहतियात करनी है कि किसी मौके पर हमारा रद्द अमल हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रद्द अमल से बरअक्स ना हो। हर जगह हम कामिल तौर पर मोहम्मद रसूलल्लाह की पैरवी कर रहे हों तब हमें वो हुस्न बख्शा जाएगा जो ग़ालिब आने के लिए बनाया गया है, जिसके मुकाबले पर दुनिया की कोई ताकत ठहर नहीं सकती, मगर लाजमन उस हुस्न के हुस्न के जलवे से मगलूब हो जाया करती है। दावत अल्लाह का सफ़र और इतना बड़ा, अरबों की दुनिया को आपने मोहम्मद रसूलल्लाह की गुलामी और खुदा की गुलामी की तरफ वापस लाना है, और निहत्ते होके चलें खाली हाथ, ज़ादेरा पास ना हो तो कैसे आप अजीम नताइज हासिल करेंगे। लड़ते हैं तो तलवार तो लेकर चलें,
लेकिन अगर तलवारों से मजमून आगे निकल गया हो तो फिर वो आला दर्जे के हथियार अपनाने होंगे जो तलवारों से बढ़कर ताकत रखते हैं। और अखलाक़ हसना के हथियारों में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सारे हथियार मौजूद हैं जिनकी कभी किसी को ज़रूरत पेश आ सकती है। हथियार इन मानों में कि बुराई से मुकाबला करना है, हर किस्म की बुराई के तकाजे अलग अलग हैं। हर बुराई से दिफा के लिए हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत में वो हथियार मौजूद हैं जो बरमहल इस्तेमाल हों तो हर बुराई का कलाकमा कर सकते हैं। है तो बहुत वसी मज़मून, और आम तौर पर इंसान को ये कुदरत नहीं होती कि इन मज़मूनों की बारीकियों में उतर सके, मगर अगर आप नफ़्से मज़मून समझ जाएँ, जैसा कि मिसालों से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो फिर इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाएगा। बुनियादी तौर पर यह याद रखें कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी करनी है, लेकिन अगर इल्म न हो, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ कसरत से ऐसे अहमदी हैं जिनको अलिफ का अलिफ और बे के दरमियान फ़र्क नहीं, ए बी सी नहीं आती उनको किसी ज़ुबान की, वो कैसे मालूम करें? कैसे मालूम करें? जैसे हज़रत रसूलुल्लाह ने मालूम किया था, आपको भी तो लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, जब वही नाजिल हुई तो ये फरमाते रहे अर्ज़ कर बार बार, वो माना बेखारे माना बेखारे, मैं तो पढ़ नहीं सकता, ए जिब्रील तू मुझे कह रहा है कि पढ़, मैं कैसे पढ़ूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। आप समझे कि मुझे कह रहा है जैसे तहरीर पढ़ते हो, इस तरह कुछ पढ़ो। तो उसके बावजूद तमाम अखलाक के लताइफ अपनी बारीकियों की इंतहा तक आपकी ज़ात में समोए गए, और अखलाक की तमाम तरह बुलंदियाँ जो इंतहा तक पहुँच सकती हैं, उन बुलंदियों की चोटियों पर आपका कदम था। जहाँ तक हज़रत अक़दस हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ताल्लुक़ है, जैसा कि मैंने बयान किया है, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि उस इबादत के लतीफ़ पहलुओं तक हमारी नज़र नहीं पहुँच सकती। हम तो इबादत के आगाज़ ही में इन उलझनों का शिकार रखते हैं कि अपनी इबादत को ज़िंदा कैसे करें, ज़िंदा कैसे रखें। और जब तक तजर्बा ना हो, इंसान किसी मज़मून की लताफतों को पा नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं आपको समझाता हूँ कि बावजूद लाइल्मी के आप सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का इल्म हासिल कर सकते हैं, और वो दिल की सच्चाई से हो सकता है, वो तक्वा से हो सकता है। ये वो मज़मून है जिस पर अगर आप निगाह रखें तो इससे बड़ा उलूम का ख़जाना और कोई मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को अपनी फितरत पर पैदा फरमाया है, अपनी सूरत पर पैदा फरमाया है, उसके अखलाक उसके अंदर जो सिफात पैदा की हैं वो सिफात बारी ताला से पैदा हुई हैं, वो उन सिफात बारी ताला से पैदा हुई हैं जो इंसानी तख्लीक के नक्शे के नकूश थी। जैसे एक इंजीनियर एक या एक आर्किटेक्ट एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है और उसमें कुछ नकूश भरता है, वो चीज़ अभी बनी भी नहीं होती तो उसके तमाम नकूश उस ब्लूप्रिंट में शामिल हो जाते हैं, अगर नहीं होंगे तो वो रह जाएंगे, फिर वो बन नहीं सकते। जब तक चीज़ मुकम्मल हो जाए, मसलन जहाज़ बन गया, तो उसके बाद उसमें बाज़ छोटी छोटी चीज़ें दाखिल करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए अच्छे इंजीनियर अच्छे डिज़ाइनर वो होते हैं जो बहुत दूर तक की नज़र रखते हैं, और इमारत ख्वाह कितनी ही अजीम हो और सनत ख्वाह कैसी ही पेचीदा क्यों ना हो, वो उसकी बारीकियों पर नज़र रख कर उसमें वो नकूश सारे दाखिल करते हैं, वो रंग भर देते हैं, फिर उनके मॉडल भी बना लेते हैं।
तो जहाँ तक इंसान का ताल्लुक है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान की सीरत में हमने अपने ही सिफात के अक्स भर दिए, उसके नकूश डाल दिए। हम क्यों उनको नहीं जान सकते? इसलिए कि हमने खुद अपनी फितरत को मैला और गंदा कर दिया है। बाज़ दफ़ा मिट्टी झाड़ें तो अंदर से चीज़ निकलती है, बाज़ दफ़ा तहें होती हैं चढ़ी हुई, उन तहों को उतारा जाए तो अंदर से एक चीज़ निकलाती है। जितना भी साइंसदान दुनिया में खुदा ताला की तख्लीक पर गौर कर रहे हैं, वो और ज़्यादा से ज़्यादा इस मज़मून को समझते चले जा रहे हैं कि बहुत से ऐसे नकूश हैं जो तह दर तह समंदर के नीचे जो मिट्टी है उसके अंदर दबे पड़े हैं, और हर तह के नीचे से कुछ और नकूश निकलते हैं, और जितना खोज निकालते चले जाएं उतना ही उस ज़माने के नकूश निकलते चले आते हैं जो कदीम ज़माने की बातें थीं जिन तक हमारी रसाई नहीं। अब अल्लाह ताला की शान देखें कि इंसान का नक्श बयान करते हुए, उसका तारुफ बयान करते हुए फरमाता है कि तुम्हारी पैदाइश से पहले हमने तुम्हारी रूहों से सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क़ालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन सब ने कहा कि हाँ तू हमारा रब। बस नक्श तौहीद तो वो अव्वल नक्श था जिसने फिर आगे बनी नौ इंसान की तख्लीक के नक्शे बनाए, और उसके वजूद के से बहुत पहले से ये नक्श कायम किया गया है, यानी इंसान का ब्लू प्रिंट। तो अगर दिल की आवाज़ ये है कि हाँ हमारा रब है, तो तौहीद को समझने के लिए आपकी जहालत कैसे हायल हो सकती है? लेकिन अगर ये दूर की बातें मिट्टी की तहों तले दब चुकी हों, अल्लाह ताला तो इब्तदाए आफ़रीनिश से पहले की बात कर रहा है, अगर खुदा हमें ना बताता तो हमें क्या पता चलता कि अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक में कैसी कैसी एहतियातें बरती थी, कैसी कैसी लताफतों से इंसान का डिज़ाइन तैयार किया गया है। हम तो कल की बात का खोज भी भुला देते हैं। साइंसदान जो बातें कर रहे हैं तो मामूली ज़माने की बातें हैं। अल्लाह ताला ने वहाँ से इंसान का जिक्र शुरू किया है जहाँ अभी कायनात पैदा ही नहीं की गई थी, और कायनात को इंसान के नक्शे पर बनाया है, ना कि इंसान को कायनात के नक्शे पर। अब ये बात जब आप सोचते हैं तो तौहीद बारी ताला की एक ऐसी अजमत दिल पर काबिल हो जाती है कि इंसान उसके असर से कभी नहीं बाहर नहीं भाग सकता, निकल ही नहीं सकता, ना निकलने को दिल चाहता है। कितना अजीम खुदा है। जाहिल हैं वो उलमा जो समझते हैं कि कायनात पैदा हुई और कायनात के नक्शे पर इंसान बनाया गया। अल्लाह ताला ने इंसान बनाना था, इंसान बनाने के लिए जितनी ज़रूरतें मुमकिन थीं उन ज़रूरतों को मरूज रखते हुए फिर कायनात की तशकील फरमाई है। बस इंसानी फितरत पर तो ये सारी बातें छपी हुई हैं, अपने नफ्स में डूब के तो देखें। और यही है जो अल्लाह ताला का कलाम हमें बताता है कि अगर आफाक पर नज़र करके तुम तौहीद का राज नहीं मालूम कर सकते तो अपने नफ्स में तो डूबो, कि अब अपनी रूह में गर्क होकर देखो तो सही कि वहाँ क्या पाओगे। खुदा के सिवा तुम्हें कोई वजूद दिखाई नहीं दे। लेकिन अगर अंधी आँखों से टटोलोगे, अगर जहालत के पर्दे कायम रखते हुए अंधेरों के सफ़र करोगे, तो अंधेरों के सफ़र तो तुम्हें अंधेरों तक ही पहुँचाएँगे, कभी नूर तक नहीं पहुँचा सकते। बस बसा औकात इंसान जो अपने नफ्स का सफ़र करता है तो अपनी अना तक पहुँचता है, उससे आगे नहीं जाता, और उसकी अना से आगे उसके वजूद और उसके एहसास के दरमियान खुदा मौजूद है। उसकी शारक से करीब तर होने के ये माने हैं, वो हबलुल वरीद में वाक़िया है, और तुम वहाँ तक पहुँचे बगैर अपनी अना तक पहुँच के सफ़र को ख़त्म कर देते हो। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का राज इस तरह भी हासिल होता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन ही वो नक्श थे जिस नक्श पर इंसान को बनाना था, बनाया जाना था। एक सर मुंह भी आपकी ज़ात में फ़र्क नहीं हुआ। नक्श जब उस चीज़ पर चिस्पा किया जाए जो तख्लीक की गई है और बैन ही मुताबकत रख जाए, तो ये तख्लीक का भी कमाल है और नक्श का भी कमाल है
ये कमाल हमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में दिखाई देता है। इस पहलू से अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने नफ्सों पर गौर करो, और अगर तुम अपनी फितरत को पहचानने का शऊर हासिल कर लो तो तुम कहाँ तक पहुँचोगे? खुदा तक बराह रास्त नहीं पहुँचोगे, मोहम्मद रसूलल्लाह के हवाले से पहुँचोगे। तब तुम्हें अपनी फितरत के हर हसीन नक्श में मोहम्मद रसूलल्लाह की सूरत दिखाई देगी। तब दिल की गहराइयों से तुम्हारे दुरूद उठेंगे, और वही दुरूद हैं जो माने रखते हैं, वही दुरूद हैं जो रिफ़तें हासिल करते हैं, जो आसमानों तक आसमानों के किगरे भी हिला दिया करते हैं। बसा औकात मैंने तजर्बा करके देखा है, अगरचे मैं एक बहुत ही हकीर और आजिज इंसान हूँ, मगर रोज़मर्रा आपके नफ्स के हवाले से जब मुझे अचानक एहसास हुआ कि वो ये छोटी सी बात जो मैंने दरियाफ्त की है कितनी अजमत के साथ हज़रत मोहम्मद रसूलल्लाह में मौजूद थी, तो एक वारफ़दगी के आलम में दिल से अज खुद दुरूद उठेंगे, और मैं जानता हूँ कि वो दुरूद ज़रूर आसमान तक पहुँचे। तो इस पहलू से दुरूद करना पढ़ना सीखें। ज़ुबान के दुरूद कोई हकीकत नहीं रखते अगर वो दिल की गहराइयों से ना उठें, और दिल की गहराइयों से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि समीम कल्ब से आप दुरूद पढ़ें, जो दुरूद पढ़ें उसकी हकीकत से आशना हों, पता हो कि क्या बात है। आप किसी शख्स को कहें तुम बड़े खूबसूरत हो, और आपका ज़ौक ही बड़ा मामूली और बेहुदा सा हो, और आपको पता भी ना हो कि खूबसूरती होती क्या है, तो जिसकी आप तारीफ़ करेंगे वो उसको ज़रा भी फायदा लुत्फ नहीं आएगा, भौंडी सी बात होगी। अब एक शायर की भी जब तारीफ़ होती है तो वाहवाह कहने वाले हर किस्म के मौजूद हैं। बाल लोग वाहवाह कहते हैं तो अबैदुल्ला अलीम जैसे भी उठकर चले आते हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई। अब अबैदुल्ला अलीम कहाँ और हज़रत मोहम्मद रसूलल्लाह की सीरत का हुस्न कहाँ? उसको खराज तहसीन पेश करना फरासत चाहता है, और वो फिरासत चाहता है जो अपने नफ्स में डूब कर अपना इरफान हासिल करने के बाद पैदा होती है। फिर जब दुरूद उठता है तो हर ऐसे हुस्न के हवाले से उठता है जिसको आप जानते हैं और तजर्बा रखते हैं कि हाँ ये हुस्न है, ये ऐसी कशिश की चीज़ है जो बेसाख्ता दिलों को खींच लेती है। तो हज़रत मोहम्मद रसूलल्लाह की सीरत का सफ़र तो बहुत ही अजीम सफ़र है, मगर नफ्स के हवाले से इल्म के बग़ैर मुमकिन है, और यह सफ़र तकवा से हासिल हो सकता है। तकवा क्या है? इसका आगाज़ नफ्स की सच्चाई है। एक सादा से सादा इंसान तकवा की रोशनी से मुनव्वर हो सकता है अगर उसका दिल अपने नफ्स की गहराई तक सच्चा हो, अगर उसकी अना का खुदा एक जलील बुत की तरह टूट चुका हो, तो फिर वो नूर तकवा पैदा होता है जो आपका हाथ पकड़कर आपकी रहनुमाई करेगा, और जिस जिस हुस्न को आप तलाश करेंगे इंसानी फितरत में वही मोहम्मद रसूलल्लाह को उस हुस्न का गवाह पाएंगे। और सीरत का एक ये भी सफ़र है, और इस सफ़र में आप हमेशा खुदा तक पहुँचेंगे, क्योंकि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपके कदम रोकती नहीं, आपके कदमों को तेज़ रफ्तारी से और आगे उस सिमत में बढ़ा देती है जो खुदा की तरफ चलती है। और ये सफ़र ख़त्म होता है तो अल्लाह पर ख़त्म होता है, इसलिए अपने नफ्स के हवाले से जिन कौमों ने या जिन मज़ाहिब ने सच्चाई के पानी की बात की है वो यही है, यही सच्चाई है जो वो पा सकते हैं, इसके सिवा सारी बातें ढकोसली और बेमानी और बेहकीकत हैं। बस जब आप अपने नफ्स पर गौर करें, मसलन किसी बात पर गुस्सा आ गया है, आपको पता नहीं कि रसूलल्लाह सल्लम का क्या हुक्म है, अगर आपके दिल में सच्चाई है और आप तहम्मुल से ठहर कर अपने गुस्से का जायज़ा लें कि क्यों आया है,
तो सच्चाई के नतीजे में हमेशा आप मालूम कर सकते हैं कि ये नफसानी जोश के नतीजे में है या तौहीद की गैरत के नतीजे में है। अगर आप किसी बात पे खुश हो गए हैं, किसी बात पे बेख्तियार खिलखिला उठे हैं, अगर आप वहाँ ठहर कर ज़रा गौर करें और तजिया करें कि मैंने क्यों ऐसा किया, अगर आप में नूरे फिरासत यानी तख्वा है तो आप कभी भी गलत मानों तक नहीं पहुँचेंगे। बार बार आपका नफ्स आपको गुमराह करने की कोशिश करता रहेगा, हज़ार मरतबा आपको दिखाएगा कि असल में तुम ये अच्छी बात थी जिसकी वजह से तुम ये काम कर रहे थे। और यही है जो इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाहिर करता है, जो मर्ज़ी उससे हरकत सरज़द हो जाए, जब आप पूछें उसकी कोई अच्छी वजह ज़रूर बयान कर लेता और सोचता नहीं कि झूठ है। और ये बात पहले भी मैं आप पर बारह खोल चुका हूँ, मगर ऐसी बात है जिसे बार बार बयान करके दिल नशीन करने की ऐसी ज़रूरत है कि दिल पर नक्श हो जाए, एक ऐसी सितरत सानिया बन जाए कि उससे हट कर आप कोई कदम उठा ही ना सके। बस दिल की सच्चाई से मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्चाई तक का सफ़र है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में वो तमाम नकूश जिंदा थे जिन नकूश पर इंसान की तख्लीक के नक्शे बनाए गए, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। एक वो था जो अज़ल में था, एक वो था जो बिल आखिर अपने मुंतहा पर सफ़र के पहुंचने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़रूरत में ज़ाहिर हुआ। वो नक्श अज़ली इस अब्दी नक्श के साथ ऐसा मुंतबिक हुआ है कि सरे मुंह भी फ़र्क नहीं रहा। और ये सफ़र आप अपने नफ्स में डूबकर अगर सच्चे हैं तो इख्तियार कर सकते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो यही किया था, अना बशरु मिसलुकुम का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी कमज़ोरियाँ मुझ में हैं, ये एक अजीम खुशखबरी है कि देखो मैं भी तुम्हारी तरह का बशर हूँ और तुम्हें भी उन अजमतों के लिए बनाया गया है, उन रिफ़तों के लिए बनाया गया है जो मैंने हासिल कर ली। बस वो ऐलान जो बशरु मिसलुकुम का ऐलान है वो इस बात पर मुंतज होता है कि अगर तुम्हारी भी यही ख्वाहिश है कि तुम ऐसे बनो तो फिर मेरी पैरवी करो और खुदा का शिर्क न ठहराओ, खुदा का शरीक न ठहराओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो लिखाए बारी ताला तुम्हें भी नसीब हो जाएगी। बस ये सच्चाई का सफ़र है जो बशरियत के अंदर नक्श है, मौजूद है और उसकी तमाम ज़रूरियात आपको मुहैया की गई हैं, तमाम लवाजमात से आपको आरास्ता किया गया है। अगर ऐसा ना होता तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत एक खुदा का नाहक का फेल कहलाता, एक बेवजह का फेल कहलाता। अल्लाह ने रसूल सल्लम को गोया फैसला कर लिया कि सबसे फजीलत देनी है तो फजीलत दे दी। बुनियादी सफ़र का सामान सब का बराबर है जो फितरत का सामान है, और इस सामान के मुतल्लिक अल्लाह फरमाता है कि हर बच्चा जो पैदा होता है, खा वो काफिर के घर पैदा हो या मोमिन के घर पैदा हो, वो मौलूद फितरत पर पैदा होता है। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लम और रसूलुल्लाह सल्लम के अलावा दूसरों में कोई भी फ़र्क नहीं किया गया। बशरुन का ये मतलब क्यों नहीं आप समझते, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ओ नादानो मैं भी तुम्हारी तरह का बशर था, तुम्हें भी वो तमाम खसाइस और लताइफ और वो अजीम ताकतें नसीब अता कर दी गई हैं जो बहसियत बशर हर इंसानी नक्श में दाखिल शामिल कर दी गई, खंदा कर दी गई। और अल्लाह यही फरमाता है इसमें कोई फ़र्क नहीं किया गया, मुझे देखो मैं कहाँ तक बढ़ गया। उन बुलंदियों तक अगर तुम्हारी रसाई मुमकिन ना होती तो मुझे तुम्हारे लिए मॉडल नहीं बनाया जा सकता था। बस मॉडल हूँ और फिर तुम नहीं पहुँच सकते, ये मेरी फजीलत है। और मॉडल जैसा कि मैंने बयान किया था
जब एक नक्शा बनाने वाला एक नक्शा बनाता है तो बसा अवकात उसके बाद उसका मॉडल तैयार करता है और मॉडल तैयार करके दिखाता है कि ये था जो हमने बनाना था, ये है जो हम बनाएंगे। हमारे एहदी आर्किटेक्ट जो ना हैं तो एहदी तो नहीं मगर फितरतन दिल की गहराइयों से वो एहदी ही मिलते हैं लगते हैं, सच्चे इंसान, मुखलिस, फिदाई और बहादुर, कतन परवानी करते उन दुश्मनों की जो कहते हैं कि हम तो तुम्हारा बड़ा लिहाज किए करते थे, तुम्हारी बड़ी अजमत दिया करते थे, एहदियों की मस्जिदें बनाकर तुमने सारा एजाज खो दिया। वो कहते हैं मुझे एक ज़र्रा भी इसकी परवाह नहीं, मुझे तो खुदा के घर बनाने में लुत्फ आता है और वो एहदी घर मुझसे बनवाएं या कोई और बनवाए। तो वो जब भी बनाते हैं नक्शा वो साथ ज़रूर मॉडल लेके आते हैं, मुझे पहले समझाते हैं ये नक्शा ये है, इसकी बारीकियाँ ये हैं, फिर कहते हैं ये देखें ये बनेगी चीज़, अब बताएं कैसी लगती है। और बसा अवकात नक्शे से जो बात समझ नहीं आती वो मॉडल से समझ आ जाती है। अगर मैं नक्शा देखकर मैं कह देता ठीक है मंजूर है तो कई बातें बाद में मुझे महसूस होती हैं कि ओहो ये तो गलती हो गई, इसको स्वाद नहीं करना चाहिए था, इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। जब नक्शा जब मॉडल दिखाते मैं ओहो आपकी इज्जत तकरीम अपनी जगह, आपका इल्म अपनी जगह, मगर मुझे तो ये बात यूँ ज़्यादा अच्छी लगती है। और चूँकि वो दिल के सच्चे हैं कोई तकबुर नहीं, फौरन कहते हैं हाँ ये आपकी बात ठीक है, मुझसे साफ हो गई, इसको यूँ ही होना चाहिए था, चुनाचे मैं दोबारा बनाऊँगा। तो मॉडल वो काम करता है जो नक्शे नहीं कर सकते, नक्शे उसके लिए ज़रूरी हैं जिसने तख्लीक करनी है, जिसने देखकर सराहना है, वो मॉडल ही सराह सकता है। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श तो इंसानी फितरत में बनाया गया मगर मॉडल एक ही था और वो एक ही मॉडल था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मॉडल था, जो तमाम ज़मानों के लिए उसवे हसना बना दिया गया। अपने दिल के नकूश पर जब गौर करेंगे तो साथ साथ फिर उस मॉडल की तरफ भी निगाह करें, जहां आपका सफ़र उस मॉडल के बरक्स निकलेगा आपका सफ़र झूठा सफ़र होगा। इसलिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ग़ुलामी से अब मुस्तस्ना और आज़ाद और मुस्तग़नी तो तब भी नहीं हो सकता, लेकिन ये दुरुस्त है कि सच्चे लोगों को से बसा औक़ात सच्चे कदम ही उठते हैं, कहीं कहीं अपनी फितर अपनी कमज़ोरियों की वजह से गलतियाँ भी हो जाती हैं। और ऐसी गलतियों का फिर क्या इजाला है? ऐसी गलतियों का इजाला ये है कि अल्लाह ताला फिर ये वादा फरमाता है कि तुम तख्वा के साथ ये राह अख्तियार करो, हम जानते हैं कि तुम वो तो नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गए, मगर खुलूस और तख्वा के साथ जब तुम इस राह पे चलते हो तो तुम्हारी रहनुमाई करना हमारा जिम्मा है। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग जो हमारी राहों पर चलते हमारी जस्तजु में निकल खड़े होते हैं, अगर वो सच्चाई के साथ और तकवा के साथ ये सफ़र इख्तियार करते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं हम पर फ़र्ज है कि हम ज़रूर उनकी अपनी तक रहनुमाई करें, फीना अपनी ज़ात में रहनुमाई करें। इससे महज सिरात मुस्तकीम का सफ़र मुराद नहीं बल्कि इरफान का सफ़र मुराद है। फीना का मतलब ये है हम उन पर अपने इरफान की राहें खोलते हैं और उनको अपना इरफान अता करते हैं। तो इसलिए आपकी लाइल्मी यानी हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बावजूद आपकी लाइल्मी आपकी राह में हायल नहीं होगी अगर आप खुलूस और तख्वा से यह सफ़र इख्तियार करें। अल्लाह ताला ख़ुद आपकी रहनुमाई फरमाएगा, आपकी गलतियाँ दूर करेगा और आपको राह हक़ पर दोबारा कायम फरमा देगा जिससे टलने का एहतमाल पैदा हो गया था। तो सीरत के इस सफ़र को दोनों हवालों से इख्तियार किया जा सकता है। सबसे महफूज हवाला वही है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मज़मून पढ़ें, क्योंकि आपने जिस तरह हमारी तालीम व तरबियत आसान लफ्ज़ों में आसान तरीक़ों से गहरे असर रखने वाले अल्फाज में और जुमलों में बयान फरमा अदा की है ज़िम्मेदारी, कभी किसी मौलिम कभी किसी तालीम देने वाले की बातों में मैंने ऐसा असर नहीं देखा।
इतनी सादा बात, इतनी प्यारी बात है कि दिल आपकी जात पर उछल उछल के फिदा होने लगता है, बारी बारी जाने लगता है। किस शान का तबीयत है, किस तरह हमारी तरबियत का, किस तरह हम पर झुका है, किस तरह तकलीफें उठा रहे, बारीक से बारीक पहलू से भी नजर नहीं उठाते। असर तो यही है, मगर मैं कहता हूँ कि बसा औकात इंसान में ये रसाई नहीं होती, ताकत नहीं होती, उसकी जहालत हायल हो जाती है, उससे भी खुदा तआला ने नाइंसाफी का सुलूक किया। वो भी अगर अपने नफ्स में डूबेगा तो बिल आखिर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से वो खुदा तक ही पहुँचेगा, और जो उसकी मुश्किल लाएँ खुदा आसान कर देगा। बस अपनी लाइलमी की वजह से मायूस ना हो, अपने उस माहौल की वजह से मायूस ना हो जिसमें तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं हुई, बल्कि करख्त किस्म के मिजाज ज़रूरनुमा हैं। बसा औक़ात बाज़ इंसान हैं लतीफ़ तबीयतें रखते हैं, लतीफ़ ज़ौक़ रखते हैं, बाज़ मोटे मोटे ज़ौक़ रखते हैं, करख्त तबीयतें लेके पैदा हुए हैं। क्या उनके लिए खुदा नहीं है? क्या उनके लिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह उस्वा नहीं है? सब के लिए हैं। सहाबा के मिजाज को देखें, पहले क्या था, बड़े बड़े करख्त लोग थे, बड़े बड़े जालिम लोग थे, ऐसे सफाक की उनकी मिसाल दुनिया की दूसरी कौमों में दिखाई नहीं देती। कब कोई कौम ऐसी पैदा हुई थी जो अपनी बेटियों को ज़बह कर दे और जिंदा दफना दे, जिंदा दरगोर कर। अरब वो लोग थे, इसलिए यह ना समझे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम कोई आसान काम था, यह आपकी तरबियत में कोई एजाज नहीं था। आपकी पैरवी अपनी ज़ात में यह एजाज रखती है कि इंसान की काया पलट के रख। एक मौके पर एक शख्स ने अर्ज किया, पुरानी जाहिलियत की बातें कर रहा था, तो कहने लगा कि एक दफ़ा मुझे भी एक बेटी मिली थी, मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी है। मैं सफ़र पर था, मेरी बीवी ने छुपा लिया और किसी और की बेटी बताया, और वो घर में पलती रही। वो इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि मैं तो उसका लट्टू हो गया, उस पर आशिक हो गया। अपनी बेटी पर कितनी प्यारी बेटी खुदा ने बख्शी। यहाँ तक कि जब बड़ी हुई और माँ ने यकीन कर लिया कि अब मैं इसको कत्ल नहीं कर सकता, तब उसने मुझे बताया और मेरी जाहिलियत जोश मार कर भाले भाग गई। मैंने कहा अच्छा, ये चीज़ है जो मेरे घर में पैदा हुई है, मैं बेटी का बाप। मैंने बहाना बनाया कि आओ तुम्हें सफ़र पर लेके जाऊं, उसे जंगल में ले गया, एक कब्र खोदी, उसमें उसको लिटाया और मिट्टी डालने लगा। उसकी मासूम आवाज़ उठ रही थी कि मुझे क्या कर रहे हो, मुझे बताओ मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे क्यों दफन कर। मैंने उसकी एक आवाज़ नहीं सुनी और उसी तरह दफन करके चला आया। नजर उठाई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से अश्रुओं की बारिश बरस रही थी। अब बार बार ये फरमा रहे थे कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। इस तरह आपने उन पत्थर दिलों की काया पलट। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक की ज़र्बों ने उनको ऐसे फाड़ा कि उनसे रहमत के चश्मे फूट पड़े। तो आपका यह कहना कि आप करख्त माहौल की पैदावार हैं, जहाँ बदजुबानियाँ की जाती हैं, जहाँ सख्तियाँ की जाती हैं, या औरतों से जलील सलूक किया जाता है, कोई उज़र नहीं है जो खुदा के हुज़ूर काबिल कबूल हो, क्योंकि आपको वो रसूल अता फरमाया गया है जो इन तमाम हालात की काया पलट सकता है। उन्हीं अरबों से वो दिल पैदा हुए जो छोटी छोटी बातों पर खुदा के हजूर गिरे और जारी में रातें सफर कर बसर कर दिया करते थे। उनके दिलों की काया पलट गई, ऐसे रहीम व करीम हुए कि वो अपने हकूक दूसरों की खातिर खुद निछावर किया करते थे। तो आप भी तो वही हैं, आप कौन सी उस मिट्टी के बने हुए हैं जिन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की दस्त तरस ना हो। पत्थरों तक भी उस अजीम रसूल की दस्तरस थी, उसके हाथों में वो शफा थी जो जलील से जलील बीमारियों को भी शफा बख्श दिया करते थे। कौन सी बीमारियां हैं जिन पर आप मायूस हो सकते हैं? कौन सी तबीयत की करख्तगियां हैं
जिन्हें मोहम्मद रसूल नरम नहीं कर सकते थे या कर सकते, इसलिए सुन्नत का सफ़र इख्तियार करें, आपकी काया पलट जाएगी, आप वो नहीं रहेंगे जो पहले हुआ करते थे। और ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी के महदूद तजर्बे में खुद महसूस किया है। बाज़ खुतबात में जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बाज़ लोगों को अपनी बीवियों से हुस्न सलूक की नसीहत करता हूँ, तो बहुत से बदनसीब हैं जिनको कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि ऐसे भी पत्थर हैं जिन पर उम्र भर भी बारिशें बरसती रहें तो एक ज़र्रा भी उनमें पानी सरायत नहीं कर सकता। मगर ऐसे ख़त भी मुझे मिलते हैं जो कहते हैं, आपने तो हमें दोबारा ज़िंदा कर दिया, हमारी काया पलट दी है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से जो बातें की हैं, हमारे अंदर ये ताकत नहीं थी कि उनको कबूल न करें, और हम जो चीज़ सोच भी नहीं सकते थे वो पैदा हो गई। अब वो खामन नहीं रहा जो पहले जालिम सफ़ाक बदकलाम था, जो अपनी बीवी पर जुल्म किया करता था, उससे ज़रूरत और ताकत से बढ़कर काम लिया करता था, और सिर्फ उसका ख़त नहीं मिलता, कई औरतों के शुक्रियों के ख़त मिलते हैं कि आपने मेरे खामन पे क्या जादू कर दिया, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई, मेरी तो इस दुनिया में जन्नत नसीब हो गई। मैं कहता हूँ मैं कौन हूँ जादू करने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जादू है जो तुम्हारे दिल पर चला। तौहीद के मुतल्लिक और ख़ुदा के लिए अपने आप को खालिस करने के मुतल्लिक में सूरह ज़ुमर में आयात 12 तक 15 में ये ज़िक्र है कि अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है, कुल इन्नी उमिरतु अन आबुदल्लाह मुखलिसल्लाहुद्दीन, कि तू ऐलान कर दे कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत इस तरह करूँ कि दीन को उसके लिए खालिस कर दूँ, यानी इबादत में कोई और नीयत शामिल ना हो, किसी किस्म की कोई नफ्स की या बैरूनी ज़रूरत की या अंदरूनी ज़रूरत की मिलौनी उसमें शामिल रहे, खालिसतन लिल्लाह हो जाए। वह उमिर तो लियान अकूना अव्वल अल-मुस्लिमीन, इब्राहिम ने भी मुस्लिम होने का ऐलान किया था जब खुदा ने कहा असलम तो अर्ज़ किया असलम तो रब्बिल आलमीन, फरमाया कि मेरे लिए मर्तबा और मकाम ये मुकर्रर फरमाया गया है, वो आखिरी नुक्ता जहाँ तक मुझे पहुँचना है वो ये है कि सब अव्वलीन से बढ़कर मैं अल्लाह ताला के हुजूर अपने आप को सुपुर्द करने में अव्वल हो जाऊँ। लियान अकून अव्वल अल-मुस्लिमीन, इससे पहले पहले कितने नबी थे जो मुस्लिम थे जिनकी गवाही खुदा ताला देता है, हज़रत इब्राहिम भी थे, मूसा भी थे, इससे पहले नूह थे और आदम थे, और कितने ही नबी हैं जिनका जिक्र नाम लेकर कुरान करीम में नहीं मगर अमूमी जिक्र मौजूद है कि हमने हर दुनिया के हर खित्ते में हर कौम में हर ज़माने में अपने रसूल भेजे, वो सारे मुस्लिम थे। वहाँ मुझे हुक्म दिया गया इन सब से आगे निकल जाऊँ, इन सब से बढ़कर पहला हो जाऊँ। ये हुक्म इसलिए दिया गया था कि पहले नक्शे में आप ही तो पेश नज़र थे, इसलिए आप उससे पहले रुक नहीं सकते थे जब तक हर चीज़ में अव्वलियत हासिल न कर लें। तो फरमाया इसलिए मैं अपनी इबादत को इस हद तक खालिस करने पर मजबूर हूँ कि इबादत के हर रंग ढंग में हर दूसरे इबादत करने वाले को पीछे छोड़ जाऊँ। कुल इन्नी अखाफ़ इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, और इबादत खालिस कैसे होती है, इतने अजीमतमय नज़र के साथ सफ़र शुरू हो रहा है, अल्लाह ताला ये हुक्म ना देता अगर आप इस हुक्म को पर पाबंद को हासिल ना कर, इसके मकसद को हासिल ना कर सकते। और इज़्ज़ का ये हाल है दिल के खुलूस का, जो दीन को खुदा की खातिर खालिस करना है उसका एक हैरत अंगेज मज़हर ये है, कुल इन्नी अखाफ़ इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, कि मैं डरता हूँ यौम अज़ीम के अज़ाब से अगर मैं खुदा की का इस्तियान करूँ, खुदा की नाफरमानी करूँ। तो अव्वलुल मुस्लिमीन होने के लिए उतना ही ज़्यादा खौफ ज़रूरी है, ना कि बेबाकी।
कुर्ब इलाही बेबाकी में नहीं बढ़ाता बल्कि खौफ में बढ़ा देता है। हकीकत में उलमा ही हैं जो अल्लाह ताला की खशियत रखते हैं और अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं। बस ये कह देना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मुस्लिमीन थे, ये बात पूरी नहीं होती जब तक ये साथ बयान न किया जाए कि इसलिए थे कि हर ज़िंदगी के लम्हे में अल्लाह ताला की खुशी उसके खौफ उसके रोब के ताबे आप ज़िंदगी बसर हो रही थी। हर लम्हा ये सोचती कि ये मैं इस्यान तो नहीं कर रहा, और ये इस्यान का खौफ था जो आपकी सुपुर्दगी को कामिल कर रहा था, क्योंकि मुस्लिम होना सुपुर्द हो जाने का नाम है। अब चाहते कि कामिल तौर पर तमाम तरह अल्लाह के हो जाए, इस शान से आपने यहाँ कदा फरमाया, इस शान से इस मकसद को पूरा किया कि देखें आसमान से खुदा की नज़र इस मोहब्बत से मोहम्मद रसूलल्लाह पर पड़ी और कहा अब ये ऐलान कर दे कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व माया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ मेरे फरमानबरदार बंदे तूने हर उस हुक्म को मान लिया जो मैंने तुझे दिया था, हर उस मकसद को पा लिया जिसकी तरफ मैंने तुझे रवाना फरमाया था, जिसकी तरफ मैंने उंगली उठाई थी। आज मैं तुझे इस बात पर मामूर करता हूँ कि यह ऐलान आम कर दे कि मेरी इबादतें मेरी कुर्बानियाँ मेरी ज़िंदगी मेरी मौत तमाम तरह अल्लाह के लिए हो चुकी, एक ज़र्रा एक शायबा तक गैर का बाकी नहीं रहा। ये वो सफ़र की इंतहा है, ये वो बुलंदियों का आखिरी नुक्ता है मेराज है जिसकी तरफ हज़रत मोहम्मद रसूलल्लाह हमें इशारा करके बहुत आगे निकल चुके हैं। इतना दूर जा चुके हैं कि बसा औकात अक्सर मुसलमान आपको देख भी नहीं सकते, बुलंदियों में जो रफ़तों में खोया जाए वो कमज़ोर नज़र वाले को दिखाई भी नहीं देता और बारीक नज़र वाले को भी एक नुक्ता सा दिखाई देता है, खा वो कितना ही अजीम वजूद क्यों ना हो। अब जिस सुरैया को देखते हैं छोटा सा सितारा इतनी सी जगह में आ रहा है, वो इतना वसी है कि ज़मीन और चांद सूरज वगैरह उसके मुकाबले पर कुछ भी नहीं, कई सितारों का एक बड़ा झुरमट है जिसको आप बसा औकात एक सितारे के तौर पर देख रहे होते हैं। तो अमर वाक़िया ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे दूरी उन मानों में दूरी है जो खुदा की हमसे दूरी है, यानी हम उसको कभी पहुँच नहीं सकते, लेकिन इस दूरी के बावजूद जिस तरह खुदा हमारे करीब है मोहम्मद रसूलल्लाह भी हमारे करीब है। बस आपकी अजमतों की बुलंदी हमें मायूस न करे, हमारी हिम्मतों को सर्द न कर दे कि रसूलल्लाह सल्लम तो इतने बुलंद हैं इतनी दूर जा चुके हैं कि हमें दिखाई तक नहीं देते। अल्लाह जो इतनी दूर है फरमाता है नानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इतनी दूर हूँ इंसान से और इतना करीब भी हूँ कि उसके लगे जान से भी करीब था। बस ये वो मज़मून था जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि अपनी फितरत में डूबें तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़तों के बावजूद आपको आपके वजूद का शऊर पैदा होगा, और ये सच्चाई के बगैर मुमकिन नहीं। मैं बारहा जो कहता हूँ सच बोलें, तो मैं ये मुराद नहीं है कि अदालतों में एक सच्ची गवाही दें, ये तो अगर ना दें तो बहुत ही ज़लील हरकत है। एक एमडी के मुतालिक तो तसव्वुर भी नहीं हो आ सकता कि खड़े होकर खुदा के नाम पर गवाही दे झूठ बोल रहा हो, तो जब इसका इरादा भी करता है तो जमात से बाहर निकल जाता है। मगर सच बोलने की के बहुत से बारीक मकामात हैं और इनका कुरान करीम ने तफसीर से ज़िक्र फरमाया है, उन मानों में सच्चे हों तो फिर आपको अपनी ज़ात में अपने वजूद में मोहम्मद रसूलल्लाह दिखाई देने लगेंगे, और वही किरदार है जिसको आप आगे बढ़ाएं जिसकी नशोनमा करें तो फिर हज़रत मोहम्मद रसूलल्लाह से आपकी दूरी के फासले छोटे होने शुरू हो जाएंगे, आप करीब तर होने लगेंगे। और अगर खुदा के कुर्ब में हर मंजिल पर कुर्ब का एहसास हासिल हो जाता है तो कैसे मुमकिन है कि हज़रत मोहम्मद रसूलल्लाह जो फिर भी खुदा के बंदे ही हैं आखिर कितने भी अजीम हों आपके कुर्ब की तरफ बढ़ते आपके कुर्ब की सिमत बढ़ते हुए
आपको आपके कुर्ब का एहसास ना हो। और ये वो क्राइटेरियन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये वो कसौटी है जिससे आप पहचान सकते हैं कि हमारा सफ़र हकीकतों का सफ़र है या अफसानों का सफ़र है। बस जब भी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दिल की गहराइयों से ज़ाती मुशाहदों और तजुर्बों से दुरूद भेजते हैं तो वह लम्हा आप पर गवाह हो जाता है और आपकी गवाही को सुनते और महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि आपका एक और ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह से कायम हो गया, और जब यह ताल्लुक कायम होता है तो फिर वो कभी नहीं टूटता, फिर वो आकर ठहर जाता है, वो साल बाकी अतु सालेहात बन जाता है। और ये जो ज़िंदगी का तजर्बा है यही वो हकीकत है जिसकी तरफ मैं आपको बुला रहा हूँ, और ख़ुद भी पूरे समय में कल्ब से बढ़ने इन बातों पर अमल करने की कोशिश करता हूँ, अगरचे बसा औकात नाकाम भी हो जाता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि सफ़र मुश्किल और दूर का सफ़र है, पहाड़ों पर चढ़ते हुए बसा औकात हमने ठोकरें भी खाएं, गिर भी पड़े, मगर सफ़र छोड़ा नहीं। हिमालय की चोटियों पर, सारी चोटियों पर तो नहीं मगर जहाँ तक मेरी रसाई थी, बचपन में मुझे चढ़ने का बहुत शौक था। मैं जानता हूँ कि बाज़ दफ़ा पत्थर मजबूत समझे पाँव रखा और पत्थर ही पाँव के तले से निकल गया, तो ये तो नहीं था कि सफ़र छोड़कर वापस घर मुड़ा है। ठोकरें खाते, चोटें खाते, बाज़ दफ़ा टखने सूझ जाते थे, बाज़ दफ़ा घुटनों पर चोटें लगती थीं, मगर एक लगन थी कि इन बुलंदियों को हासिल ज़रूर करना। क्या पहाड़ों की ये ज़लील बुलंदियाँ हासिल करने के लिए तो इंसान की फितरत में इतना जोश पैदा किया गया है, क्या रसूलुल्लाह की रूहानी अजमतों और रिफ़तों की तरफ आपको बढ़ने का इतना भी शौक़ नहीं है जितना एक आम इंसान को दुनियावी बुलंदियों को हासिल करने का शौक़ हुआ करता है? पहचाने तो सही कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं क्या, उन अजमतों में मरूब हों, उनकी शौकत के सामने अपने दिल को बिछा दें, तब मोहम्मद रसूलुल्लाह आप पर इस शान से ज़ाहिर होंगे कि उनकी पैरवी के बगैर आपका चारा नहीं रहे। और इस पहलू से अगर आपने सफ़र इख्तियार किया तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, हर कदम एक बुलंदी का एहसास पैदा होता है, वो लाजिम नहीं कि तकब्बुर पैदा करे बल्कि बसा औक़ात वो इज्ज़त पैदा करता है। चुनांचे पहाड़ों के सफ़र में मैं अपने तजर्बे से भी जानता हूँ कि जब हमने चोटियाँ सर की आखिरकार तो कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमने तो बहुत बुलंद काम कर लिया, बहुत अजीम मार्का है जो तय जो सर किया है। ये एहसास हुआ कि हम क्या और हमारी कोशिशें क्या, हर बुलंदी के बाद एक और बुलंदी सर उठाते हुए दिखाई दी है, उसके बाद और उसके बाद और, और वो इंसान जो हिमालय की चोटी तक भी पहुंच जाता है, अगर वो तकब्बुर की नज़र रखता है तो नीचे देखेगा और देखेगा कि कौन मुझसे नीचे है। एक नज़र अगर उसी आसमान की रफ़तों पर जा पड़े तो वहीं हकीर और जलील और रुस्वा होकर एक ज़र्रे से ज़्यादा बेहकीकत हो जाएगा। जिसे हिमालय की चोटी समझ रहा है, जिसे दुनिया की गोया सारी बुलंदियां सर कर ली उसने, उसकी कितनी बुलंदी है? 30,000 फुट या 29,000 कुछ फुट। और जो फासले ज़मीन और चाँद, ज़मीन के चाँद के साथ या सूरज के साथ या दीगर अजराम फलकी के साथ या दीगर सितारों के साथ हैं, अगर इंसान बुलंद होकर सर उठाकर उनकी तरफ नज़र करे तो वहीं उसकी हकीकत बिल्कुल पिघल कर बेहकीकत ज़र्रा बनकर उसकी नज़र से गायब हो जाएगी। इसलिए बुलंदियों का सफ़र इज्ज़त सिखाता है, यानी अगर इंसान सच्चा हो तो उससे इज्ज़त पैदा होगा। और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरफ सफ़र के दौरान हमेशा इज्ज़त बढ़ता है, ये भी सफ़र की सच्चाई की पहचान है। जब भी आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब नसीब होगा, आपके अंदर लाजिमन इज्ज़त पैदा होगा और आप झुक जाएंगे, और अगर नहीं झुकेंगे तो आपको सीरत का पता ही कुछ नहीं। बहरहाल मैं समझा चुका हूँ, याद दिलाता हूँ, फिर भूल भी जाते हैं बाज़ लोग कि रसूलुल्लाह सल्लम ने इंसान की जो मरिफतों की मंजिल थी उसका आखिरी मकाम हासिल कर लिया।
लेकिन दना फतदल्ला, वहाँ पहुँचा और फिर झुक गया और रहमत बारी के फलों के साथ लद कर बनी इंसान पर झुक गया और उसकी शाखें इतनी करीब हुई कि हाथ बढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलल्लाह की सीरत के फल तोड़ने के अहल बन गए, उनसे इस्तफादा करने के अहल करार दिए गए। तो कैसे आपको, आपका तकबर आपको दुनिया से दूर कर देगा, मोहम्मद रसूलल्लाह से क़ुर्ब आपको खुदा के भी करीब करेगा और बनी नौ इंसान के भी करीब करेगा और इज्ज़त के साथ करीब करेगा। ये वो मज़मून है जो बहुत वसी है और मैंने जो हवाले इकट्ठे किए थे, मुझे माजिद साहब बार बार वार्निंग कर रहे थे कि इतने इकट्ठे ना करें, आपने पहले बाब के अंदर ही रह जाने और वक्त ख़त्म हो जाएगा। मैं कहता नहीं नहीं, तो थोड़ी सी चंद बातें मैं तो इंशाल्लाह बहुत मज़मून बयान करूँगा, मगर अब मैं अपनी कम मायगी को देख रहा हूँ, बेबिजाजी को देख रहा हूँ, वक्त आगे बढ़ गया है और चूंकि और भी नमाज के अलावा काम हैं इसलिए मजबूरन हमें इस जलसे को आज 8 बजे ख़त्म करना होगा। तो मैं समझता हूँ सरे दस्त इसी को काफ़ी समझें, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएगा तो इस मज़मून को मैं आगे बढ़ाऊँगा और मज़ीद तफसील के साथ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के नकूश आप पर रोशन करूँगा और उम्मीद रखता हूँ कि जब हम सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन हो जाएंगे तो फिर कायनात को फतह करने का सवाल नहीं, ज़मीन और ज़मीनी लोगों को फतह करने का सवाल नहीं, वो तो आपके आशिक हो जाएंगे और इस तरह आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे कि आप अपने मकाम से हरकत ना भी करें तो तमाम दुनिया आपके गिर से मिटाएगी और इकट्ठी हो जाएगी। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द इस तरह दूर दूर से फिर लोग इकट्ठे हुए जब आपका हुस्न ज़ाहिर हुआ कि फासले मिट गए, दूर दराज के इलाकों से लोग कशां कशां चले आए क्योंकि इस हुस्न की खबरें ही बहुत दिलकश थी, ऐसी दास्तानें थीं जो पहले कभी इंसान ने नहीं सुनी थी। बस हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुज़य्यन हो जाएं, फिर देखें कि आपको दुनिया के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, शुरू में दौड़ना पड़ेगा जैसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को दौड़ना पड़ा। लेकिन उस वक्त तक जब तक दुनिया आपसे नावाकिफ़ है, अनजान है, जानती नहीं कि आप कौन हैं, एक दफ़ा जब पता चल गया कि आप कौन हैं तो फिर उनकी उनके तो आपके साथ रबते की काया पलट जाएगी, नौयत बदल जाएगी। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंगे अदबदर के मौके पर बाहर निकलकर दुश्मन से लड़ने का फ़ैसला किया तो उस वक्त आपने सहाबा से ये सवाल किया जिनमें मदीने के अनसार भी शामिल थे कि मुझे मशवरा दो कि क्या करें। मुख्तलिफ लोगों ने मशवरे दिए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते रहे कि मुझे मशवरा दो, मुराद ये थी कि अनसार कहें कि हाँ या रसूलल्लाह हम आपके साथ हैं। बहुत से अंसारी इस बात को समझ नहीं सके, एक अंसारी उठ खड़ा हुआ जो जानता था कि रसूलल्लाह सल्लम की क्या मुराद, समझ गया कि रसूलल्लाह सल्लम क्या मुराद है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप कहीं उस मुआहदे की तरफ तो इशारा नहीं फरमा रहे कि जब पहले पहले आपका मदीने में तुलू हुआ था तो आपसे हमने एक मुआहदा किया था और वो मुआहदा ये था कि अगर कभी दुश्मन से लड़ाई हुई मदीने के दायरे तक तो हम आपका साथ देने के पाबंद हैं, उससे बाहर आपका साथ देने के पाबंद नहीं, क्या इस तरफ आपका इशारा है? शुरू से फरमाया हाँ इसी तरफ इशारा है। कैसी मुआहदों की पाबंदी, उस शाख का गुरोह साथ चल रहा है जाने फिदा करने के लिए लेकिन एक ख्याल तबीयत के अंदर एक रोक पैदा कर रहा है, सदे राह बन रहा है कि मैं तो इस कौम से मुआहदा कर चुका हूँ कि मदीने से बाहर ये मेरे साथ लड़ने के पाबंद नहीं है, बार बार पूछते मुझे मशवरा दो क्या करें। उसे या रसूलल्लाह उस जमाने की बात है कि हम जानते नहीं थे कि आप क्या, उस जमाने लद गए, वो ख़त्म हुए, वो दफन हो गए,
खुदा की कसम, खुदा की कसम, आज जब आपका हुस्न हम पर जलवागर हुआ है, तो आज दिलों की ये कैफियत है कि अगर आप कहें कि बैर जुल्मात में घोड़े दौड़ा दो, तो हम घोड़े दौड़ा दें। मैं अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप किस मुआहदे की बात करते हैं? आज हमारे दिलों की ये कैफियत है कि खुदा की कसम हम आपके आगे भी लड़ेंगे और आपके पीछे भी लड़ेंगे, आपके दाएं भी लड़ेंगे और आपके बाएं भी लड़ेंगे, और दुश्मन आप तक नहीं पहुंच सकता जब तक हमारी लाशों को रौंदता हुआ आप तक ना पहुंचे। ये हुस्न मोहम्मद की जलवागरी है। आप इस हुस्न को अपना के तो देखें, अपनी ज़ातों में, अपनी सिफात में जारी तो करके देखें, फिर देखें कि इब्तदा में जो नखरे करते हैं कैसी कैसी उनकी काया पलटती है। वो वक्त आएगा जब वो रोएंगे और गिरियाउजारी करेंगे कि हमने क्यों इनकी मुखालफत की, और वक्त आ रहा है और आ चुका है। मुझे बारहा गैर अहमदी उलमा के और बाद शदीद मुखालफों के ख़त मिल रहे हैं। वो कहते हैं कि MTA पर आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर हमारी ऐसी काया पलटी है कि अब हम रोते हैं कि हम क्यों मुखालफतें किया करते थे। हसरत से उन दिनों को देख रहे हैं जब हम जमात के रस्ते में रोके पैदा किया करते थे। एक ने लिखा, मैं वो हूँ जो पत्थर बरसाया करता था MTA पर, आज वो पत्थर मेरे दिल पर बरस रहे हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने का अमल शुरू कर दें। हर जगह आपके साथ वही वाक़यात रूनुमा होंगे, वही इनकलाबात बरपा होंगे जो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ वाबस्ता थे और आपके इर्द गिर्द रूनुमा हो रहे थे और फैलते चले जा रहे थे। यही एक राह है दुनिया पर गलबा पाने की, यानी उनकी रूहों को अपनाने की, और इसके बगैर कोई फतह नामुमकिन, ना तो मुमकिन है ना उस फतह की कोई हकीकत है, कोई माने हैं। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि जमात इस तो पल्ले बांध लेगी, मजबूती से इस बात को पकड़ लेगी, रोज़ सुबह शाम अपने हालात का जायज़ा लेगी, अपने नफ्स की तरबियत करेगी, और सफ़र हमेशा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब बढ़ेगा, कभी और कोई क़िबला आपके पेश नज़र नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो कामयाबियाँ जिनको हम दूर देख रहे थे और करीब आ गई हैं, वो इस तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ेंगी कि आप उसका उनका भी उस तेज़ी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और उस तेज़ी की ज़रूरत है, वरना ज़माना हमसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। बस दुआएँ करते हुए इज़्ज़त और इंकसारी के साथ सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल एतमाद और तवक्कुल रखते हुए, और अल्लाह ताला के उन वादों पर तफक्कुर रखते हुए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात से वाबस्ता है, दुआएं करते हुए इस राह में आगे बढ़ें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, हर कदम पर मंजिलें आपके कदम चूमें, फतूहात आपकी जानब आगे बढ़ती हुई दिखाई दें। ये वो आला मकसद है जिसके लिए आज जमात अहमदिया को पैदा किया गया है। दुआ से पहले मैं चाहता हूँ कि बाद दूर बैठे हुए देखने वालों को मोहब्बत भरे सलाम पहुँचाऊँ। इस वक्त जैसा कि गाना से इत्तला मिली थी, गाना में भी एक उशाक का इज्तिमा है, हज़ारहा लोग टेलीविज़न के पर नज़रें गाड़े बैठे हुए हैं, वो आज हमारे साथ शामिल हैं। हमारे जज्बात के साथ उनके जज्बात में तमग्गुज है, हमारे नारों के साथ वो भी नारे लगा रहे हैं, और रब्वा में भी ये वाक़या रूनुमा हो रहा है, और कराची में भी हो रहा है, और पाकिस्तान के छोटे छोटे गाँव में भी ये बात हो रही है, अकेले अकेले घरों में भी ये वाकया रूनुमा हो रहा है, बांग्लादेश में भी ऐसा हो रहा है, अमेरिका में, अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों में, कनाडा में, हर जगह जहाँ जहाँ इस वक्त तक अल्लाह ताला के फजल से डिश एंटाना के ज़रिए जमात अहमदिया एक जान और एक आलमी इकाई बन के उभरी है जिसमें फ़र्क नहीं रहा।
वहाँ सब हमारे साथ शामिल हैं इस जलसे में, तमाम दुनिया के लोग हमारे साथ शरीक हैं। तो वो सब लोग सोचते होंगे कि हमें उनका भी ध्यान आ रहा है कि नहीं। उनका ध्यान आना ही आना है, क्योंकि सीरत मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद रसूलल्लाह को तो अपने ज़माने के दूर दराज इंसानों का भी ख्याल रहता था, बल्कि आने वाले ज़मानों तक भी आपके ख्याल की रसाई थी। आपने कब उवैस को बुलाया था जो आप तक नहीं पहुंच सका, उसकी सूरत भी नहीं देखी, और फरमाया कि उसको मेरा सलाम पहुंचाना, क्योंकि उस इश्क की खुशबू, उसकी हवा मुझ तक पहुंची। बस अगर सीरत का जिक्र हो और दूर दराज के लोगों को भुला दिया जाए, तो इस सीरत के जिक्र की क्या माने हैं? मुझे आप याद हैं, खुदा की कसम आप याद रहते हैं। ऐ पाकिस्तान के मजलूमों, ऐ वो जिनकी खुद तरफ, जिनके लिए खुदा की तरफ बढ़ने की राहें बंद की जा रही हैं, और अवाकिफ से बेनियाज होकर तुम फिर भी उन रोकों को फलांगते हुए बढ़ते चले जा रहे हो। क़यूद और बंदिशों की जंजीरों में जकड़े हुए, तुम्हारी रूह का सफर फिर भी रवा दवा है। पाकिस्तान के जिंदा खानों में ऐसी कैदी रूहें हैं कि बज़ाहिर वो कैद हैं, मगर आज वो इतनी दूर निकल गई हैं रूहानियत के सफर में कि कैद से पहले उन लोगों का तसव्वुर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था। मुझे बाज कैदियों ने कैद खानों में बैठ कर ये लिखा है कि जब आप हमारा जिक्र करते हैं आपके आंसू बहते, खुदा की कसम हमारे दिल रोते हैं कि क्यों आप हमारे लिए गमगीन हैं। खुदा की कसम हमने वो पाया है जो कैद से बाहर सारी जिंदगियां गला देते तो ना पा सकते। ऐसी राने राह मौला तुमको सलाम हो, ऐसी राने राह मौला तुमको सलाम हो, तुमको सलाम हो, तुम्हारी नस्लों को सलाम हो। क़यामत तक कुर्बान तुम्हारी कुर्बानियां ऐसे फल अता करती रहें कि तुम दिन रात हमेशा उनका शुक्रिया भी अदा करो तो नामुमकिन हो कि तुम उनका शुक्रिया अदा कर सको। तुम्हारे मुकद्दर में खुदा ताला ने बड़ी रिफ़तें, बड़ी अजमतें रखी हैं, और वो जो आज़ाद भी हैं मगर आज़ाद नहीं, उनको भी हमारा सलाम हो। जो आज दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जहाँ रातें हैं, कभी कहीं आधी रात है, कहीं पौ फटने का वक्त आ रहा है, कहीं दोपहर है, कहीं शाम है, इन लम्हों में हमारे साथ बराबर के शरीक हैं। मैं उनको बताता हूँ कि हम आपके जज्बात के साथ शरीक हैं, हम यहाँ बैठे हुए आपके दिलों के अंदर हैं और आपके दिल हमारे दिलों के अंदर हैं, हम एक हो चुके हैं। ये वो उम्मत है जो उम्मत वाहिदा मोहम्मद रसूलल्लाह ने बनानी थी और बना दी है। अब इसके दायरे फैलाते चले जाएं, इसके दायरे फैलाते चले जाएं, इसकी सरहदें दूर तक फैलाते चले जाएं, यहाँ तक कि सारी ज़मीन को, तमाम ज़मीन पर बसने वालों को मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लम की मोहब्बत में बंधी हुई उम्मत वाहिदा इस तरह ढांप ले कि ज़मीन का कोई चप्पा भी बाकी ना रहे, जहाँ मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लम के ग़ुलाम एक उम्मत में, एक वहदत में, एक लड़ी में परो कर दुनिया को वाह तौहीद का सबक न दे रहे हों। बस तौहीद की बातें कुछ वो हैं जो आसमान से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ वो हैं जो ज़मीन से ताल्लुक़ रखती हैं, जो हमारे आपस के ताल्लुकात से ताल्लुक़ रखती हैं। आप उम्मत वाहिदा बने, और जैसा कि बन रहे हैं, और फिर तमाम बनी नौ इंसान को इस उम्मत वाहिदा का एक जुज़ बना दें, जो अटूट जुज़ हो, जो कभी भी फिर अलग होकर बिखर ना जाए। इसके लिए हमें काम भी करना होगा, दुआएँ भी करनी होंगी। कल जब अल्बेनिया के वफद के इमाम यहाँ तशरीफ़ लाए तो मेरे हाथ पास थे, मैंने उनके बदन को हाथों से थामा हुआ था। उन पर सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा है वो ये था कि मोहम्मद रसूलल्लाह जिस उखुवत की बातें किया करते थे कि मोमिन उस उखुवत की लड़ी में पुरोए गए, खुशा नसीब कि मैं उस उम्मत को देख रहा हूँ।
खुशा नसीब कि मैंने अपनी आंखों से उस हदीस की सच्चाई देख ली है। और जब वो ये कह रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरे हाथ में उनका लर्जा महसूस कर रहे थे, उनका बदन कांप रहा था। तो ये मोहब्बत की लर्जिशें हैं जिसमें तमाम दुनिया के बदनों को हमने मुब्तला कर देना है। यही वो रूहानी जलजले हैं जिनकी बातें मैंने आगाज में की थी। अल्लाह करे कि हमें इसकी तौफीक मिले। बस मैं अहले जापान को भी सलाम कहता हूँ और अहले ऑस्ट्रेलिया को भी और अहले न्यूजीलैंड को भी और जज़ायर के रहने वालों को भी और हिंदुस्तान के बाशिंदों को भी और बांग्लादेश के बाशिंदों को भी और बर्मा के बाशिंदों को भी और श्रीलंका के बाशिंदों को भी और ग्वाटेमाला के बाशिंदों को भी जो मगरिब में वाक़ है और उनके दरमियान जितने भी मुल्क बसने वाले हैं, यूरोप के मुल्क हों या अमरीका के हों और उनसे परे, जहाँ जहाँ अहमदी इस वक्त खुदा ताला के फजल से हमारे साथ इस जलसे में शामिल हैं, इस रूहानी इज्तिमा में शामिल हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से सलाम कहता हूँ। अपने अपने दायरे में अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की उम्मत के दायरे बढ़ाना शुरू करें, फैलने शुरू करें, यहाँ तक ये दायरे फैलते फैलते आपके गिर्दो पेश को अपनी लपेट में ले आएँ। ये मेरी आपको नसीहत है। आपको मोहब्बत भरा सलाम हो, फिर सलाम हो, फिर सलाम हो। आपके सलाम हमेशा हमें पहुँचते रहें, हमारे सलाम हमेशा आपको पहुँचते रहें। इन अल्फाज के साथ अब मैं आपको विदा करता हूँ, लेकिन दुआ के बाद, और ये भी दुआ करता हूँ कि जिस तरह दूर दराज से तकलीफ़ें उठा कर यहाँ पहुँचे हैं और ईमान की लज्जतें पाई हैं, जिन्होंने आपके दुखों को सहला सहला कर आराम पहुँचाया है, उसी तरह खुदा आपको खैरियत से वापस लेके जाए और खुदा की रहमत आपके बदनों को सहलाए और आपकी थकावट को दूर करे। एक साहब जो बड़ी दूर से तकलीफ़ उठाकर लंबे अरसे तक जाग कर यहाँ पहुँचे थे, उनसे मैंने कहा, आप तो बहुत थक चुके होंगे। मैंने कहा, अब थकावट कहाँ रही, अब तो आपसे मिल लिए सारी थकावटें भूल गई। तो ऐ मिलने वालों, ऐ मोहब्बत के मुसाफिरों, तुम मेरी थकावटें दूर करते रहे, मैं तुम्हारी थकावटें दूर करता रहा। जाओ दुनिया में फैल जाओ और सारे थके हुए बदनों की थकावटों को दूर कर दो। अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो, अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आइए अब हम अलविदा दुआ में शामिल हो जाएं।